बिहार में क्या बोला रहे हम? बिहार में ई शासन हाँ, में सूचना एवं संचार की महत्ता, सूचना एवं संचार की महत्ता संचार की महत्ता। जी सर। ठीक है, देखो यहाँ पर एक चीज और समझो कि अगर आपके पास बिहार नवन का किताब होगा पीला वाला, उसमें देखो कि एक फर्स्ट चैप्टर होगा आईसीटी का, आईटीसी का है ना, उसके लास्ट में क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, जैसे कि ए ए यानी अकाउंट ऑफिसर का पेपर मीन्स जो हुआ था, सीडीपीओ का हुआ था, उसमें पेपर लगभग 4 या 5 क्वेश्चन लिखे गए होंगे। ठीक है, उसी में सर पीली क्वेश्चन, वाली किताब जो आपने भेजी है जीएस मेंस हाँ टोक्यो हाँ वाली, हाँ सेकंड वाली वो, ठीक है। उसी में क्या है कि देखिएगा तीसरा या चौथा क्वेश्चन होगा, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता क्या है। उपयोगिता अगर किसी बालक बालिका के पास वो पुस्तक हो तो उसको देख लो एक बार, है ना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हमने देखो उपयोगिता का मतलब होता है यूजेस, यानी प्रयोग, इसका क्या इंपॉर्टेंस है ना, सॉरी इंपॉर्टेंस, इसका क्या यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर चर्चा किया है महत्ता। महत्ता देखिए सब लोग की वर्ड का कैसे खेल होता है सुष्मिता, महत्ता का मतलब हो गया इंपॉर्टेंस। हम जरा बताइए तो चंद्रशेखर, अगर आपके पास बीपीएससी दो केस ऐसे देता है कि पहला केस में आपसे पूछेगा, सारे बच्चों से पूछते हैं, पहले केस में आपसे पूछेगा कि आईसीटी का यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का आप उपयोगिता बताओ, यूज बताओ और महत्ता बताओ, तो दोनों में आपको इजी कौन लगता है आंसर लिखने में, ये बताओ, एकदम इजी वे में कौन लगेगा? जाहिर सी बात है कि इसका इजी क्या हो जाएगा, उपयोग, हाँ उपयोग, उपयोगिता उपयोग बताना। लेकिन जैसे ही हम महत्ता पर चर्चा करते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इस महत्ता में उपयोगिता के ही पॉइंट को लिख करके चले आएंगे, इसीलिए उनको नंबर कम मिलता है। महत्ता का मतलब हो गया, नहीं इंपोर्टेंस का मतलब हो गया कि आपको यूजेस तो बताने ही बताने हैं रेशम, साथ में आने वाले समय में इस इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का ई गवर्नेंस में किस प्रकार से यूज किया जा सकता है, हमको इसको भी सेटिस्फाइड करना होगा अपने आंसर में, तब जाकर के हमको महत्ता वाला पोर्शन जो है कंप्लीट होगा। इसलिए अगर आपके पास कोई नोट्स हो, कोई किताब हो, तो इस दोनों को डिफर जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे कोचिंग का जो नोट्स होगा, दोनों में एक ही आंसर दिया हुआ, लेकिन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। बात समझ में आया? देखो इस टॉपिक को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार, देखोगी बिहार सरकार आजकल आईसीटी पर बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। समझते हैं क्या है, देखो हमारे पास पहले जो टॉपिक है उस टॉपिक में कितने कीवर्ड हैं। देखो कीवर्ड का मतलब होता नहीं था है ना, कुंजी, जो महत्वपूर्ण हम वर्ड है। क्या क्या वर्ड तुमको मिलता है बताओ? एक तुमको मिलता है ई शासन, सर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं नीता, ये देखो इसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। कैसे जुड़ी हो, ई गवर्नेंस, ठीक, देखो यानी पहला कीवर्ड हमको ई शासन मिल गया। दूसरा कीवर्ड क्या है बताओ? सूचना, इंफॉर्मेशन, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या हो गया हमारा, संचार, ठीक। और चौथा पॉइंट क्या हो गया नीता, बोल नहीं रही हो लड़की, महत्ता। महत्ता का मतलब क्या हो गया, जी सॉरी यहां पर रोल नहीं होगा, इंपोर्टेंस होगा, या इंपोर्टेंस लिख लीजिए आप, इंपोर्टेंस, महत्ता यानी के इंपोर्टेंस। अब यहां देखो, महत्व है और महत्ता में अंतर है सर। नहीं, एक ही वर्ड, वो विशेषता बताता है महत्व का। जी जैसे कोई बोलेगा कि जैसे तुम दूल्हा बन के जाओगे ना, मतलब शादी करने, तो कुछ लोग बोलेगा दूल्हा सुंदर है, कोई बोलेगा दूल्हा बड़ा सुंदर है, वर्ड हुआ ना अंतर उसमें, यानी बड़ा का मतलब एक विशेषता इंक्लूड हो गया, यानी तुम्हारी प्रभाविता को दर्शाता है कि नहीं सही में लड़का बहुत सुंदर है। उसी प्रकार जो महत्व का ना, महत्व मतलब छोटा एरिया हो गया, महत्ता मतलब काफी उसका ब्रॉड एरिया हो गया, समझे तू राज। देखो ये चार पॉइंट को जिस बच्चे को समझ में अगर अच्छे से आ गया, समझो कि ये टॉपिक चाहे यूपीएससी का मेंस देना हो उसको, बीपीएससी का मेंस देना हो, या उत्तर प्रदेश पीसीएस का मेंस देना हो, या इंटरव्यू उनको फेस करना हो, उस क्वेश्चन को बना लेगा। अभी देखो कि 67वीं बीपीएससी पीटी से है ना, और सीडीपीओ के पीटी से, एक बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब जो बच्चा डीपली पढ़ाई करेगा वही उसका आंसर दे पाएगा, क्वालिफाई कर पाएगा पीटी, केवल लूसेंट अकाउंट पढ़ के पीटी नहीं पास कर यस सर, पाएगा। जी सर, एकदम बिल्कुल सही हाँ, कहा। हम सही है गलत थोड़ी बोले, मास्टर साहब है, पास लिखिएगा हम, ठीक। यानी यह बात को प्रभावित प्रमाणित कर दिया। अब देखो
आज केवल इसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे ना, यानी सूचना संचार प्रौद्योगिकी को पढ़ेंगे, इसमें से तुमको 67वीं पीटी में दो प्रश्न सीधा सीधा पूछा गया है। दो प्रश्न का मतलब होता है दो नंबर, 67 है ना, दो नंबर। पता है कि एक नंबर से लोग अंदर बाहर हो जाते हैं पीटी में, यानी जब इसको हम डीपली पढ़ लेंगे, और ये दो प्रश्न ऐसे है ना, एक प्रश्न को बस छोड़ दें तो जो दूसरा प्रश्न है वो दूसरा प्रश्न जब तक इसको नहीं समझ जाएगा कोई बच्चा उसको आंसर नहीं लिख पाएगा। अभी वो प्रश्न पर भी हम आएंगे, तो समय है अभी, लेकिन पहले उस प्रश्न को जाने से पहले हम इस टॉपिक को समझते हैं, है ना। देखो, ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, सूचना का क्या मतलब होता है, संचार का क्या मतलब होता है, महत्ता का क्या मतलब होता है, बताइए तो वर्षा। अगर इन चारों में से आपको अगर चूज करने के लिए मिलेगा कि सबसे महत्वपूर्ण बिंग क्या है, कि जिसके बगैर यह सारा पार्ट अधूरा हो जाएगा, तो किसके साथ आप जाना पसंद कीजिएगा? वर्षा बेंगलोर से सर, ई बताइए। गवर्नेंस, हैं? ई गवर्नेंस अच्छा, वर्षा रानी बेंगलोर से बोल रही है, ठीक, जी सर, गलत जवाब अच्छा, हमारा अगला रहेगा। इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो बात सब्जी नहीं सर, हाँ संचार सर, उसके लिए संचार की जरूरत है सर, हाँ बहुत बढ़िया। यानी सबसे महत्वपूर्ण क्या संचार है? संचार। संचार का सीधा मतलब क्या समझोगी? इंटर, है ना। इसका मतलब हो गया कि इन चारों टॉपिक के लिए संचार जो होता है वह किस प्रकार का काम करता है? अम्ब्रेला का काम करता है। अम्ब्रेला का क्या मतलब होता है अनीता? उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? छाता छाता। तो जब तक हमारे पास कम्युनिकेशन यानी इंटरनेट सही रहेगा, तभी तक हम क्या कर सकते हैं ऋतुराज? ई गवर्नेंस चला सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, या इसके इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन खत्म हुआ, समझो कि हमारा डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा, हमारा हर चीज खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया सारे बच्चों को? आप में से कोई बच्चे बताएं, अगर हम आपसे पूछें, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सूचना किसे कहते हैं, तो क्या बताइए, क्या उसको कैसे डिफाइन कीजिएगा? अब सूचना पे आते हैं। अगर हम आप लोगों से पूछते हैं कि सूचना का डिफिनेशन क्या है, परिभाषा बताओ, कोई बता सकता है? तोड़ मोड़ के बताओ जल्दी से। सर, सूचना तो मौखिक भी हो सकती है और क्या बोलते हैं, लिखावट में भी हो सकता है। सर, हाँ जैसे कि समाचार हो गया, जरूरी बात हो गया, तो कहने के लिए जो कहना होता है उसी को सूचना कहें, अपना ठीक है। सूचना कहें। कन्वेइंग मैसेजेस थ्रू मेनी वेज, थोड़ा सा और एलाबोरेट कीजिए वर्षा, सही बता रही हैं आप। कन्वेइंग मैसेजेस थ्रू इंटरनेट मीन्स, इंटरनेट मीन्स इंटरनेट के माध्यम से। देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार तुमसे इंटरव्यू में पूछता है कि सूचना किसे कहते हैं, जो खास करके आईटी सेक्टर का लड़का लड़की होता है ना, पूछता है सूचना क्या होता है, तो वही समझी सोनी, तो उस समय ही नहीं बोलता है सर कि दो प्रकार का होता है, लिखित होता है और लिखित होता है। वो सपना भी तो सूचना आता है ना, कि नहीं आता सपना में? समझो ध्यान से, सूचना का मतलब क्या होता है कि हम इंटरनेट के माध्यम से किसी मैसेज को विभिन्न स्रोतों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? सूचना कहते हैं। लिख लो, पहले इंग्लिश में लिखा देते हैं, फिर हम हिंदी में लिखवा देंगे। कि पहले हिंदी में लिखवा दें, इसके खाली वर्षा ही है ना, लिख लो पहले हिंदी में लिख लो, फिर इंग्लिश कर लेंगे। लिख लो, डेटा के प्रसंस्करण, डेटा बेटा मत लिख लेना, डेटा जिसको कि डाटा भी कहते हैं, ये सब नीड हो, जरूरत होगा, जब मेंस लिखेगा तब जरूरत पड़ेगा, इसलिए लिखवा रहे हैं इसको। हिंदी वाले बच्चे 2-3 बार पढ़ लो तब तक, फिर समझ में आएगा, फिर इंग्लिश में लिख लो वर्षा। द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्विंग द डेवलपमेंट, द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्विंग द डेवलपमेंट कॉमा मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एंड यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कॉमा सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क, एंड नेटवर्क फॉर द प्रोसेसिंग एंड फॉर द प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी। अब देखो, हम आपको क्या कह रहे हैं कि ई गवर्नेंस में, नहीं समझो नीता, ई गवर्नेंस में सूचना क्या होता है? ई गवर्नेंस में सूचना होता है कि यदि सरकार कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, संचार के माध्यम से, या किसी अन्य माध्यम से, अन्य तकनीकी माध्यम से, जब सरकार अपनी बात जनता को उपलब्ध करवाती है, प्रेषित करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सूचना बोलते हैं। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सूचना तकनीक बोलते हैं। नीता का एक प्रश्न था और चंद्रशेखर का प्रश्न, कि आज से पहले भी तो हम लोग सूचना देते थे, वो बिना, वो कैसे देते थे, राइट?
तो देखो कि आज से पहले जो सूचना दिया जाता था 100 साल पहले 200 साल पहले, तो सूचना जैसे मान लो कि तुम्हारे पड़ोस में क्या हो रहा है ये तुमको नहीं पता होता था, राइट। वो सूचना तुमको मिलता था कब? 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। जैसे आज फोन है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, तब ना तुमको कहीं का घटना तुरंत पता चल जाता है नीता। लेकिन पहले के जमाने में अगर कोई व्यक्ति बाहर काम करने जाता था तो जब वो वापस लौट के आता था 5-6 महीने बाद तभी उनका सूचना मिलता था, पहले डाक भी नहीं था। मिस्सी का तकलीफ है कि सर पहले अभिलेख से पता मिलता है, तो अभिलेख कोई भी सभ्यता जब उसका विकास होता है मिस्सी, तो वह सभ्यता में जो भी राजा होते हैं वो अभिलेख लिखते हैं ताकि आने वाला इतिहास यह जान सके कि इस स्थल पर हमारा इस प्रकार का कल्चर था, इस प्रकार का क्या रहन सहन था। यानी वो हजारों लाखों साल बाद हमको प्राप्त होता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का आज का सभ्यता थोड़ी है मिस्सी, बहुत पुराना सभ्यता है वो, लेकिन उसको अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं लोग, तो कैसे हम समझेंगे वहां लोग कैसे रहे, यानी वो सूचना व्यर्थ है। ये ना हुआ जी, सिंधु घाटी के लोग तो कुछ लिख लिए, हाथी घोड़ा का साइन बना दिया, चिन्ह पाड़ दिया, उनका अपना लिपि था, उसको तो आज तक नहीं पढ़ पाया ना कोई वैज्ञानिक या कोई भी उनका इंक्रिप्टर जो होता है, तो हम कैसे समझेंगे कि वहां के लोग कैसे रहते सहते थे। यानी सूचना का मतलब हुआ कि हम जो बताना चाह रहे हैं सेम वही बात बिना किसी तोड़ मरोड़ के तुम तक पहुंचे, ई गवर्नेंस में वही सूचना होता है। और सूचना का मतलब हुआ क्या कि बिना इंटरनेट के माध्यम से तुम सूचना प्रेषित कर ही नहीं सकते हो। बात समझ में आया? सूचना और सूचना तकनीक दोनों एक ही चीजें हैं या अलग नहीं, अलग अलग चीजें हैं अलग सर? अलग हुआ ना। सूचना होगा कि हम कुछ बोल रहे हैं और तकनीक हुआ कि जिस तकनीक के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है उसको कंबाइन रूप बोले सूचना तकनीक। तकनीक एक ये कोई माध्यम हो गया भाषा? सूचना के हाँ लिए। एक मीडियम हो गया, वो यस सूचना निपट गया, संचार का सीधा इंटरनेट हो गया। अब हमारे पास आता है ई गवर्नेंस, ये तो खैर बहुत महत्वपूर्ण है, यूपीएससी के मेंस में हर साल कुछ ना पूछता है 25 नंबर में ई गवर्नेंस का, क्योंकि इस चीज को पढ़ेंगे तब हम आगे बिहार में जाते हैं कि बिहार में ई गवर्नेंस का महत्व क्या है। बताओ कि ई गवर्नेंस का क्या मतलब होता है, कोई आदमी बताए हमको। देखो यहाँ नीता, ई गवर्नेंस यानी ई का मतलब क्या होता है, ई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सामाजिक कार्यों गवर्नेंस, को, देखो सामाजिक कार्यों में लोगों की यहां समझो व्यापक नीता, भागीदारी। ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। अब सर मेरी बताओ आवाज नहीं दिख रहा है। आ रहा है, ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। गवर्नेंस का मतलब होता है शासन, यानी सरकार के द्वारा किया गया वैसा शासन जो किस माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो। अब जरा बताओ तो रेशम, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में क्या क्या मीडियम आ सकता है गवर्नेंस में? रेडियो आ सकता है, टीवी आ सकता है, पेजर आ सकता है ना, उसके बाद उनका कोई सॉफ्टवेयर आ सकता है। यानी सरकार जिस भी मेथड से, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मेथड से अगर अपने इंफॉर्मेशन को दूसरे को डिलीवर करता है, जनता को, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के कंसेप्ट को या एडमिनिस्ट्रेशन के पॉलिसी को डिलीवर करता है, वो वास्तव में क्या कहलाता है, ई गवर्नेंस। ये शासन प्रशासन का बहुत बेहतर तरीका होता है, उसको आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ समझो, हमने ई गवर्नेंस समझ लिया, सूचना तकनीक समझ लिया, संचार समझ लिया, महत्व तो मतलब इंपोर्टेंस बताना है। अब यहाँ देखो कि ई गवर्नेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि आपसे बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था, अगर पेपर होगा तो देखना उसमें कि ई शासन से क्या समझते हैं, तो जब तक इसकी परिभाषा नहीं लिखेगा तब तक आपका इसका उत्तर बन के होबे नहीं करेगा। बताओ तो पलवी, ई शासन किसे कहते हैं? पलवी ने अभी हाल फिलहाल में सरकार ने उसको लोन दिया है, वो ई गवर्नेंस के माध्यम से ही हुआ है, ठीक। अब बताओ तो पलवी, इसको कैसे डिफाइन करोगे, ई शासन को परिभाषा बताओ हमको इसका। सॉरी सर, नहीं बता पाएंगे। ठीक है, सरकारी सेवाएं, जल्दी लिखो, सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए, सुनाई दे रहा है विक्की कौशल? सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना यस तथा सर, संचार प्रौद्योगिकी नामी मेरा ना चेंज कर दिए सर, आप है, नामी चेंज कर दिए सर देखो मेरा। इसी को ना विकास कहते हैं जी, कहा भी इलाहाबाद, रहे ना सर, इलाहाबाद को प्रयागराज करेंगे तब ना विकास देखा जाएगा जी, है, लिख लो, सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना ही ई शासन कहलाता है, ई शासन कहलाता है। इंग्लिश में, हिंदी में लिख लिए सारे बच्चे, इंग्लिश में लिख लो, द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड, द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज इज नोन एज या इज कॉल्ड ई गवर्नेंस। देखो
ई गवर्नेंस में हम क्या लिखवाए हैं कि एक ऐसा क्या है मेथड है, एक ऐसा क्या है कि मतलब मेथड है जिसमें कि किसका यूज होता है, सूचना का यूज होता है और संचार का यूज होता है, लेकिन इस दोनों को कौन जोड़ के रखता है, तकनीक। यही ना कह रहे हैं, यानी अगर हमको ई गवर्नेंस देना है, हमको ई शासन में क्या करना है, अब इसी को पढ़ना है ना, ई शासन में सूचना और संचार की महत्ता, यही ना टॉपिक हमारा है जी। यानी अब हम टॉपिक पे आएंगे कि अब समझ गए ना कि ई शासन में इस सूचना का क्या महत्व है, संचार का क्या महत्व है, ये तो टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना था, नहीं बोल रहा है, यस ब्रेक होके आ गया सारा चीज। यानी अब क्या हुआ कि इस टॉपिक में ध्यान दो ना, इस टॉपिक में सबसे बड़का आदमी कौन हो गया, ई शासन। अब हम संचार को क्या करेंगे, भूल जाएंगे, सूचना को भूल जाएंगे, और हम किसको ध्यान याद रखेंगे, ई शासन को, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है क्या कि बिहार में अगर हमको ई शासन के महत्व को समझना है, बिहार में अगर हमको ई शासन के महत्व को समझना है या हमको ई शासन को लागू करना है, तो उसमें सूचना और संचार किस प्रकार से मदद करता है, सूचना और संचार का किस प्रकार से उपयोगिता होती है। अब यहां से हमारा टॉपिक निकल करके आता है क्या, ई शासन में सूचना और संचार की महत्ता। अब देखो यहां से डिस्कस करते हैं। अब बताओ तुम किसी ई गवर्नेंस जो है वो कितना साल पुराना है, आप तो सीधे अभी लेफ्ट पर चली गई हैं, बताओ। एक अच्छा सर, 1991 में एलपीजी के साथ आया था। सब आदमी है ना, इसको इसके बाद को श्रद्धांजलि दे दो, मिसी के बाद को। सारे बच्चे समझो, 1976 का जवाब भी सही है, जो मिसी बोली एलपीजी का कि ई गवर्नेंस आया था ये भी सही है, लेकिन हमने क्या कहा आपको कि ई गवर्नेंस में इस हमको इसको आप लोग सब तो भूल गए ना इसको, यानी ई गवर्नेंस में इस दोनों का बूस्टअप कब मिला, इन दोनों को कब ज्यादा हाईलाइटिंग मिला इनको, 1990, 2005 2006, हो, 2006, 2005 हो, समझो ध्यान से। आप जो बोल रही है ना सुष्मिता, 76 में क्या आया था, 90 में क्या आया था, वो हमारे पास क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक क्रांति भी थी हमारे यहाँ, कि टीवी आया था, फ्रिज आया था, ये सब आया था, लेकिन ई गवर्नेंस यानी सरकार अब घर बैठे तुमको फैसिलिटी दे रहा है, इसका जो कॉन्सेप्ट है हम सबके जन्म के बहुत बाद 2006 में आया था, है ना। 2006 में किसकी सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने था उस समय जी गवर्नमेंट में, तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो सोनिया गांधी का कॉन्सेप्ट था कि भाई हम पूरे जो भी हमारे नागरिक हैं भारत के उन सबको घर बैठे फैसिलिटी हम देंगे, जो भी उनको यूज करना हो, एजुकेशन लेना हो, लोन लेना हो, सर्टिफिकेट तैयार करना हो, सब हम उसको घर बैठे देंगे। तो उन्हीं का क्या मतलब, उन्हीं का एक दृष्टिकोण था, तो कांग्रेस की सरकार ने ही 2006 में एक कार्यक्रम का शुरुआत किया था, उस कार्यक्रम का नाम है ई गवर्नेंस योजना। ई गवर्नेंस योजना यानी हम क्या देखते हैं इसी कि आधुनिक समय में जो ई शासन का जो संकल्पना है वह मूर्त रूप से यानी बिल्कुल कागज पर, सरकार के कागज पर कब आया था, 2006 में, है ना, कब, जब केंद्र सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत की गई। लेकिन हमारा बिहार अद्भुत प्रदेश है, पहले भी चर्चा किए हैं, केंद्र में इस योजना को लागू करने से पहले ही 2005 में हमारे बिहार सरकार ने, 2006 में केंद्र सरकार ने सुष्मिता क्या किया कि ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट लाया और पूरे हिंदुस्तान में क्रांतिकारी स्टेप के माध्यम से हर राज्य को बोला कि तुम इसको लागू करो, यानी अब तुम्हारा जो भी निवासी होगा उसको तुम घर बैठे सारा सरकारी फैसिलिटी दो, तुम उसको क्या है ऑफिस में नहीं आना है, आई बात समझ में, यानी अब तुमको घर पे फैसिलिटी मिलेगा। लेकिन बिहार सरकार क्या किया, बिहार सरकार 2006 से पहले एक साल पहले ही अपने 2005 में बिहार सरकार ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तो हमारे आईसीटी के क्षेत्र में यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जिसका नतीजा यह हुआ कि 2005 से ही लगभग, अब 2022 है ना, 2022 तक बिहार सरकार ने क्या किया है इस आईसीटी के माध्यम, आईसीटी के फील्ड में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ किया है। आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या ग्रोथ उसमें हुआ है, बात समझ में आया, किस प्रकार का किया था बताइए चंद्रशेखर, कि 2005 में बिहार सरकार के, उस समय कितना जिला था 2005 में बिहार में, बताओ, पीटी का क्वेश्चन है जी। 5 में 37 हाँ 37 था कि 38 होना था, चाहिए, है 37 होना, पता नहीं, कंफर्म नहीं है सर, 38 होगा ना सर, होगा। CSC का स्थापना किया था, यानी कॉमन सर्विस सेंटर, हाँ, इस CSC को क्या बोलते हैं, देखो C का मतलब हो गया नीता,
कॉमन सर्विस सेंटर, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? केंद्र सहज सेवा केंद्र। से वसुधा केंद्र भी कई जगह बोला जाता है हाँ, सर। और इसी को कई जगह को बोलता है वसुधा, सॉरी वसुधा सेवा केंद्र, या इसको कहीं कहीं वसुधा केंद्र भी बोलते हैं। समझो ध्यान से, आपसे इंटरव्यू में कई बार पूछता है कि बिहार आईसीटी में क्या किया, तो बताना वहां पे कि सर जब केंद्र सरकार सोच ही रही थी कि हम क्या करेंगे, ई गवर्नेंस को पूरी इंडिया में इंप्लीमेंट करेंगे, उससे पहले ही बिहार सरकार 1 साल पहले ही अपने 3800 जिलों में, जो भी उसमें जिला था, उसमें क्या किया, CSC का स्थापना कर दिया था। इसका यह मतलब हुआ कि अब बिहार सरकार की जो भी योजना है, केंद्र सरकार की जो भी योजना है, जो भी सूचना है, वो सूचना आपको सरकार के पास नहीं जाना है, किसी डीएम को भी में नहीं जाना है, आप उस CSC सेंटर पर जाइए और बताइए सर हमको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, हमको आवासीय बनवाना है, वो सब तुमको क्या करेगा, ऑनलाइन करके प्रोवाइड करवा देगा आपको। यानी आपके बिहार में ई शासन की शुरुआत कब होती है वर्षा रानी, 2005 से। इसका मतलब यह हुआ कि 2005 से ही हमारे बिहार में इंफॉर्मेशन भी है, कम्युनिकेशन भी है और तकनीक भी है। इन्फॉर्मेशन भी है यानी सूचना भी है, कम्युनिकेशन यानी संचार का माध्यम भी उपलब्ध है, और हमारे पास क्या है, तकनीक भी है। इसी तकनीक को इंक्रीजमेंट करके 2020 20 में नहीं, शायद 16 याद, हमको ईयर नहीं याद है, कि बिहार में जो पटना शहर है ना, पटना देखो 20 किलोमीटर का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क बना था। कब बना था, 1920 में बना था, कोई ईयर नहीं याद है, सबसे पहले ही बना उससे था पहले ही बना शायद, होगा शायद, है ना। साइंस कॉलेज के आसपास में हाँ बना था हाँ सर। यानी भारत में बिहार पहला ऐसा राज्य था जो इस ICT के महत्व को समझा। इस मेंस में लिखना, तुम लोग बड़ाई करोगे ना BPSC का, तो तुमको बहुत नंबर मिलेगा। बिहार सरकार क्या किया, बिहार इस ICT के भूमिका को समझा, और पूरे जब पूरा दुनिया, पूरा भारत का राज्य सोया हुआ था, बिहार ने ओपन हॉट स्पॉट प्रोवाइड करवाया, कहाँ, पटना में, ओपन वाइड एरिया, यानी OWA बोलते हैं उनको, आगे हम डिस्कस करेंगे उनको। यानी पटना में, शहर में कोई भी 20 किलोमीटर किसी डेस्टिनेशन में जाकर वो वाईफाई यूज कर सकता है, भले ही चलता नहीं था, लेकिन भाई नाम तो आया ना न्यूज़पेपर में जी, है ना। नहीं नहीं चलता है, स्टेशनों पर ओपन है। जी समझ में आया। खैर देखो, ये तो अलग बात है। अब हम देखते हैं क्या कि जब 2005 में CSC का स्थापना किया, आजकल तो हर घर जगह में देखोगे ना CSC खुल गया हुआ है। पहले क्या था कि बैंक में हमको खाता खोलना होता था, तो हम बैंक को बैंक जाना होता था, लेकिन आजकल देखती हो कि CSC सेंटर बना, बैंक का भी उसका फ्रेंचाइजी मिलता है, वहां जाइए पैसा निकालिए, पैसा जमा करिए, सब काम आपको घर के बगल में मिल जाता है ना। ये सब क्या है, ये सब वास्तव में हमारे बिहार सरकार के ई गवर्नेंस का ही क्या है कि एक अगला स्टेप है। अब देखो 2006 में तो ये चला आया, यानी यहाँ था कांग्रेस का दिमाग का उपज, कौन सा, ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट, ई गवर्नेंस का, ई शासन, इसको क्या बोलेंगे, ई शासन। अब देखो, लेकिन मोदी जी ऐसा ही तेज नहीं ना कहलाते हैं, मोदी जी तो खैर बहुत दूसरे तेज आदमी हैं, या बीजेपी की सरकार। अब उसने क्या किया 2015 में, 2000 समझो, एक एक सीरीज को समझो, 2015 में यानी उसके कितना 9 साल बाद, यानी 10वें साल में एक प्रोग्राम लॉन्च करता है इंडिया में भारत सरकार। उस प्रोग्राम का क्या नाम होता है, उस प्रोग्राम का नाम होता है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। अब यहीं से नाम चेंज करना शुरू हो जाता है, यानी अब मोदी सरकार कहता है कि हम ई शासन को नहीं मानते हैं, हम मानते हैं क्या, ई, ये मानते हैं हम ई गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को, इसको क्या बोलते हैं, ई सरकार को। अब इस दोनों में अंतर क्या होता है, नीता समझो ध्यान से, इस दोनों में क्या अंतर है बताइए तो वर्षा। एक हमारे पास वर्ड आता है ई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यानी ई सरकार, और दूसरा हमारे पास में है ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस यानी ई शासन। बताइए तो चंद्रशेखर, अगर आपसे पूछ दे कि ई शासन ई गवर्नेंस में क्या अंतर है तो क्या बताइएगा। अब क्या है, ऋतुराज समझ रहे हो ना कि कांग्रेस की सरकार ने क्या कंसेप्ट लाया, ई गवर्नेंस को लाया, ई शासन को, आ इसने क्या लाया, ई गवर्नमेंट को लाया। यानी अब क्या है कि ई गवर्नेंस में क्या होता था कि नागरिक जो था ना, नागरिक जो था वो कहाँ जाता था, CSC में जाता था, मतलब क्या, जो वसुधा केंद्र खुला था वहां जाता था ना, कहीं जैसे तुमको खाता अपडेट करवाना है, पैसा निकलना, तुमको कहाँ, वहां जाना होता होगा। लेकिन अब क्या किया मोदी सरकार ने कि नहीं, अब ई सरकार का मतलब क्या, यहां पर देखो क्या था, यहां पर क्या था कि जनता जो है वह जाता था किसके पास, सरकार के पास। यानी जो सिटीजन था वर्षा रानी, वो कहाँ जाता था, गवर्नमेंट के पास।
लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, यानी नाम चेंज कर दिया, समझे विक्की कौशल। इसने क्या कहा कि नहीं, जनता घरे में रहेगा, सरकार कहाँ जाएगी, जनता के पास जाएगी, सरकार कहाँ जाएगी, जनता के पास जाएगी, यानी अब गवर्नमेंट कहाँ जाएगा, सिटीजन के पास जाएगा, समझे चंद्रशेखर, यही अंतर होता है। आपको सुष्मिता इसी से कंसेप्ट निकल करके आया क्या, सरकार आपके द्वार, इसी कॉन्सेप्ट पर, यानी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट पर ही पश्चिम बंगाल, बिहार हो, भारत सरकार हो या कोई अन्य राज्य हो, दिल्ली हो, सब लोग क्या किया, डोर स्टेप डिलीवरी शुरू किया। सबसे पहले दिल्ली सरकार ने शुरू किया था, यानी सरकार का अगर तुमको डीएल बनवाना है तो पहले था ना कि भाई तुम गरीब करना चाहते थे, डीटीओ का चक्कर लगाते थे, तुम बस डीएल बन करके आता था। अब तुम क्या करो कि वहाँ ट्रेनिंग दे, उनका जो वेरिफिकेशन तो वो करवा लीजिए, और ड्राइविंग लाइसेंस तुमको स्पीड पोस्ट के माध्यम से कहाँ मिलेगा, आपको घर तक पहुँचाया जाएगा, वो सरकार का काम है। पहले क्या था कि हमको अगर पासपोर्ट बनवाना होता था तो उसका बहुत लंबा प्रोसेस था, वर्षा नहीं, पुलिस का वेरिफिकेशन करवाओ, ये डॉक्यूमेंट दो, वो डॉक्यूमेंट दो, भाई पटना दौड़ो, दिल्ली दौड़ो, परेशान हो जाता था एक पासपोर्ट के चक्कर में, और फिर लाने के लिए आपको भाई पूरा का पूरा खजाना लेकर के जाओ, जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो ओरिजिनल के वहाँ जाओ दिखाओ, तब जाके तुमको देता था। अब क्या नहीं, तुम ऑनलाइन पासपोर्ट घर से अप्लाई करो, पुलिस वेरिफिकेशन बाद में करेगा, तुमको पासपोर्ट भी कहाँ आएगा, आपके घर पर पहुंच जाएगा, यानी सरकार अब धीरे धीरे कहाँ चली आ रही है, जनता के पास। इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, यानी देखो यह दोनों कॉन्सेप्ट को समझो, यानी जब जनता कहाँ जाती है, गवर्नमेंट के पास जाती है नीता, या जब गवर्नमेंट जनता के पास जाती है, तो इस दोनों में अंतर क्या होता है। अभी जितने बड़े बड़े थिंकर है वर्षा रानी, इसी कॉन्सेप्ट को, यानी ई गवर्नमेंट को क्या बोलता है, इसी को बोलते हैं गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में जी, सुशासन। के कुछ बोला है, हम वही बोले थे सुशासन। अब बताओ अगर तुमको बीपीएससी में पीटी में क्वेश्चन पूछ दिया, अगर कोई पगला सेटर हो, है ना, क्वेश्चन रहेगा कि गुड गवर्नेंस यानी ये क्या नाम है, सुशासन से क्या समझते हैं, ऑप्शन ए सरकार जनता के द्वार, ऑप्शन बी जनता सरकार के द्वार, ऑप्शन सी जनता जनता के द्वार, ऑप्शन डी सरकार सरकार के द्वार, क्या ऑप्शन मान क्या होगा, हंस रहे हो जी, क्या आंसर आप मान, ऑप्शन कैसा क्या है, रखे हैं, आप सरकार ऑप्शन जनता के द्वार, कैसा बता रहे हैं, जनता जनता के द्वार नहीं जाता जनता जनता के द्वार जी, अगर तुमको किसी से रिलेशन बात करना हो, तुम्हारा व्हाट्सअप नहीं चल रहा तो नहीं बेचैन हो जाती हो, तो पड़ोसी क्या जाती है, भाई जरा व्हाट्सअप तो बात करना है हमको या फोन तो बात करने जाना है ना, तो जनता के द्वारा जाता ही है। देखिए एकदम बारीक चीज है भाई, क्वेश्चन बनता है ना पीटी में, क्या पता अगला साल पूछ दे, अच्छा बता दिया। पूछ सकता, बीपीएससी टेंशन में रहते हैं। तो जब आप मेंस को लिखा ना आंसर को, मेंस को आंसर लिखना कि सुशासन से, हालांकि ये यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, हम लोग जब उसमें देते हैं तब लिखा जाता है, आप लोग उतना पता नहीं पूछेगा नहीं पूछेगा, भगवान ने याद रखना ये चीजें, समझी वर्षा, कि व्हाट इज मीन्ट बाई गुड गवर्नेंस, सॉरी गुड गवर्नमेंट, यानी अच्छा सरकार किसको बोलते हैं। अगर इंटरव्यू में तुमसे पूछ दिया, रागनी है कि चली गई, चली गई पलवी, अगर तारा से पूछा जाए इंटरव्यू में कि बतावा तो कि अच्छा सरकार केकरा कहल जाला, क्या बोलती, यही ना बोलती कि सर जो सरकार क्या करता है नागरिकों को सुविधा पहुंचाती है, यही सब बोलती बोलती जी ना, सर उसी को एक लाइन में क्या बोल देना है कि सर गुड गवर्नमेंट, यानी अच्छा सरकार का गवर्नेंस, मतलब क्या होता है, मतलब कि सरकार जनता के द्वार, काम खत्म, समझ गया मामला उसका, यानी अब देख रही हो ना, लेकिन देखो ये सरकार क्या, सरकार जनता के द्वार, या फिर ये क्या नाम है, जनता सरकार के द्वार, अभी भी क्या है कि ये इंप्लीमेंट हुआ है हमारे बिहार में, इंडिया में बहुत मुश्किल है, मतलब क्या कि तो सरकार के पास उतना फैसिलिटी नहीं ना कि भाई जंगल में या गांव गांव में जाकर के तुमको प्रोवाइड पहुंचाएगा, यानी ये क्या है कि ज्यादा भी नहीं फैल पाया है, समझी वर्षा रानी, इसका ज्यादा क्या हुआ कि स्प्रेडिंग नहीं हुआ है, स्प्रेडिंग किसका हुआ है, इसका, ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है, यानी देखती हो ना कि अगर हमको कोई डॉक्यूमेंट, ऐसे आप लोग का मेंस भर, अभी मेंस का फॉर्म भरना था रिटर्न मेंस का, किसी का क्रीमी लेयर नहीं बना है, किसी का डॉक्यूमेंट नहीं बना, किसी का कोई नहीं बना है, कितना चीचा रहते हैं राज, है ना, जाके यूनिवर्सिटी दौड़ रहे हो तो तुमको डॉक्यूमेंट मिला है, हाँ सर पैसा बहुत ज्यादा ले लिया, ले लिया ना, सर ये क्या कंसेप्ट हुआ ऋतुराज, जब तुम गए, यानी तुम किसके दरबार पर गए, सरकार के दरबार पर गए, तो तुम यानी कौन से कॉन्सेप्ट को यूज किया, ई शासन को, जबकि अगर हमारे पास अच्छा सरकार होता तो क्या जिम्मेदारी बनती, कि सरकार सर्टिफिकेट किसको पहुंचाता, तुमको पहुंचाता, है ना द्विवेदी जी, ऐसा तो नहीं हुआ, यानी इसका, बहुत यूनिवर्सिटी तो पहुंचा रही है सर, जैसे कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से, अरे बंद कर दिया है,
लेकिन टाइम लगता है, उसमें बहुत वक्त लगता है। और यहाँ संतोष किसी के लेकिन ये पास सब होता पहुंचाती है है, लेकिन टाइम लगता है हाँ ये सब। पहुँचाती, इग्नू पहुँचाता है, नालंदा पहुँचाता है, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी पहुँचाती है, वो पहुँचाती है, लेकिन उसमें बहुत वक्त लगता है। तो हम ही क्यों ना चले जाएं? इसीलिए क्या है कि बिहार जैसे पिछड़े क्षेत्र में जहां पर तकनीक नहीं है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पर क्या होगा, ई गवर्नेंस अभी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और ई गवर्नेंट का ज्यादा अभी रोल वहां पर नहीं हुआ है। कहने को तो हम बोलते हैं कि ई गवर्नमेंट है, लेकिन हमारे पास वास्तव में क्या है, किसका देख रही हो ना भाई, हमको गरज है तब ना हम जा रहे हैं सरकार के पास। सरकार को क्या मतलब कि पलबी का सर्टिफिकेट निकला कि नहीं निकला, ये चंद्रशेखर का ससुर जी का सर्टिफिकेट मिला कि नहीं मिला, क्या मतलब लोगों को, ससुर जी का पर क्या ये हमारा बोले है तो हम सर। जाएंगे यहाँ पर। चलो हाँ अब आगे चलते हैं नीता। अब क्या कि ई गवर्नमेंट का तो मामला खत्म हो गया पांडे जी, अब हमको किस पर फोकस करना होगा, ई गवर्नेंस पे, यानी ई शासन पे, ई शासन पे। अब जरा बताओ, अगर हम आपसे पूछेंगे वर्षा कि जो ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है, यानी ई गवर्नेंस जो है उसको आप कितने प्रकार में बांट सकते हैं, अब देखो महत्ता यहीं से निकल करके आएगा, सारे बच्चे समझो ध्यान से, जो ई गवर्नेंस का महत्ता है यहीं से क्लियर होगा। ई गवर्नेंस को हम लोग कितने सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं, उसको समझने से पहले हम पहले यह जानते हैं चंद्रशेखर कि ई गवर्नेंस के लिए बिहार सरकार का, बिहार सरकार का, बिहार सरकार का प्राथमिकता क्या है, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, प्रियोरिटी, बताओ कोई यदि बता सकता है कि ई गवर्नेंस बिहार सरकार क्यों लाया है अपने यहां, क्या मतलब उसको लाने का, क्यों अलग पैसा खर्चा करेगा, वो केवल और केवल उसकी दो ही प्राथमिकता है, ध्यान रखना, बिहार राज्य सरकार प्रशासन के मामले में पारदर्शिता हो सके और काम भी जल्दी जल्दी हो सके। तरीका है कि जनता के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुविधा उपलब्ध। देखो बिहार सरकार के द्वारा अपने बिहार में, बिहार के 3800 जिलों में नीता ई गवर्नेंस लाने के लिए केवल और केवल दो ही उद्देश्य है या दो ही प्राथमिकता है। पहला प्राथमिकता क्या है, सुशासन, इसको क्या बोलते हैं, गुड गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस, आपको समझ में आ रहा है वर्षा मुजफ्फरपुर। सेकंड में क्या आता है बताओ, सेकंड में आता है न्यायपूर्ण विकास, इसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट विथ जस्टिस। यानी बिहार से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि बिहार सरकार का क्या कारण है कि वो अपने यहां शासन लाया, उसका दो ही कारण है। पहला कारण क्या है, कारण करो प्रत्येक क्या होगा मनीष, कि एक तो वो अपने यहाँ सुशासन लाना चाहता है। देखोगे ना कि बिहार सरकार ने क्या किया है, इतना अधिक काम किया है गुड गवर्नेंस में नीतीश कुमार के नेतृत्व में, है ना, इसलिए कि बिहार को, बिहार में क्या बोला जाता है, सुशासन की सरकार, सुशासन की सरकार कहते हैं ना जी, हमारे बिहार सुशासन की सरकार है। अब देखो कि न्यायपूर्ण विकास का क्या मतलब हुआ कि हमको विकास करना है लेकिन किसके साथ वर्षा, जस्टिस के साथ, न्याय के साथ, यानी हम विकास तो करेंगे लेकिन उसमें हमारे बिहार के किसी भी राज्यवासी को किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का अन्याय, उनके पास किसी प्रकार का अन्याय ना हो। जैसे मान लो पलबी का रोड के किनारे घर है, हमको रोड को चौड़ा करना है, ठीक, सरकार रोड चौड़ा इसलिए करेगी ताकि हमारे यहाँ पर्यावरण, ये क्या नाम उसको बोलते हैं, पथ का जो विकास है वो अच्छे तरीके से हो, लोगों को थोड़ा चौड़ी सड़क मिले, लेकिन उसका विकास तो कर रहा है न्याय के लिए, लेकिन उसको जरूरत क्या पड़ेगा, पलबी के घर को हटाना, तो सीधे थोड़ी मतलब पलबी सो रहेगी बुलडोजर चला देगा, पलबी तो मरी ही जाएगी वैसे। पहले सरकार क्या करेगी, पलबी को नोटिस देगी कि पलबी हम इस रोड को चौड़ा कर रहे हैं, कि हम तुमको इस जमीन का इतना पैसा दे रहे हैं, कृपया तुम कहीं और ले लो। पलबी अच्छी नागरिक होगी तो क्या करेंगे, सरकार को अपना लेटर देगी कि हाँ सब ठीक है, हम सौंप रहे हैं, हम दूसरा जगह ले लेंगे। तब यानी क्या कि सरकार का भी न्याय हो गया और पलबी के साथ भी न्याय होगा। लेकिन पलबी अगर जीत पर अड़ जाएगी कि ना हम नहीं देंगे, क्या कहिएगा, जा लड़ ले हम कोर्ट पे, दीदी हमारे वकील भी है क्या ना, लड़ ले हम सरकार से, हम की पैसा तो लागी ना वकील से। यानी बहुत अच्छा है, इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में बिहार सरकार पलबी के साथ अन्याय नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि पलबी को भारतीय संविधान ने स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, व्यक्ति का अधिकार दिया, तो पलबी कहाँ जाएगी, पटना कोर्ट में केस करेगी, क्योंकि उसके मौलिक अधिकार कहाँ हो रहा है, क्योंकि वो निवास कर रही है घर पर, बात समझ में आया, फिर कोर्ट में केस जाएगा, लंबा मामला चलेगा। तो हमको दोनों चीजों को साथ मिलेगा सरकार चला, हालांकि नीतीश सरकार ने जो भी अपना काम किया है सबके साथ जनरली न्याय किया है ना,
इसीलिए उसको बोलते हैं क्या कि न्याय सुशासन की सरकार या फिर न्यायपूर्ण सरकार। अब देखो यानी हमने क्या समझा नेता कि हमको ई शासन लाना है तो हमको बिहार सरकार का क्या उद्देश्य ई शासन लाने के लिए, दो इस उद्देश्य क्या है सुष्मिता, एक तो गुड गवर्नेंस लाएगा और दूसरा क्या लाएगा हमारे पास न्यायपूर्ण विकास लाएगा। बात समझ में आया। अब हम यहाँ पर समझते हैं मुद्दे को कि जो ई गवर्नेंस है वो ई गवर्नेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं और क्या क्या है, महत्ता जो है यहीं से निकल करके आएगा। अब देखो आप लोग के मन में एक बात हो रहा होगा कि सर ये सूचना कहाँ गया संचार कहाँ गया, तो वो भी आएगा, सूचना भी आएगा संचार भी आएगा, कहीं भागेगा नहीं। हमको ज्यादा फोकस किस पर करना है, ई शासन पर। जैसे पहले भी शादी में कहीं जाती होगी घूमने फिरने की, सबसे ज्यादा फोकस किस पर करती होगी, चेहरा पर और कपड़ा पर, है ना। दो दिन भले ही वो फास्टिंग रहेगी भाई भोज में खूब मच के खाएंगे, है ना, लेकिन नहीं खाते उतना, एक बात कह रहे हैं। तो हमारा कहने का यह मतलब हुआ कि बिहार सरकार जो हो, या देखो ये जो अभी फ्रेमिंग हम करेंगे ना वो आपको हर मेंस में काम आ जाएगा। बताइए तो वर्षा, आप तो खैर इसमें आईटी डिपार्टमेंट में है, कितने प्रकार का होता है इसमें श्रेणी बताओ ई गवर्नेंस का? चार प्रकार का होता है। अच्छा किसका? जी तो वाला क्या? कौन बोला है? किसका किसका नाम हम नहीं बोल रहे हैं, वो भी बोलो भाई, ना तो नाराज मत होना, उतना हम दिख नहीं रहा हमको यहाँ पर, ये करण है बेचारा चुपचाप बैठा हुआ। नहीं करण बोलेगा सर हम घर में भी त्रस्त होते हैं, आप भी मेरा नाम नहीं लेते हैं, उसका जो मन बहलता था। नहीं दिक्कत नहीं है सर, ठीक। क्या कोई कोई कुछ बोल रहा था जी टू बी बी टू बी क्या? देखो चलो हम एक बढ़ा देते हैं, पांच प्रकार का कर देते हैं, ठीक है, लिख लेना इसको, लिखो क्योंकि आंसर तुमको इसी फ्रेम में बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक। देखो यानी हमको ई गवर्नेंस लाना है तो कितने प्रकार से, यानी इसका समझो कि ये श्रेणी हो गया ई गवर्नेंस का, श्रेणी, श्रेणी का मतलब हो गया टाइप या सीरीज। वर्षा रानी समझ में आ रहा है मुजफ्फरपुर वाली? चली गई लड़की? नहीं सर, समझ में आ रहा है। तो कुछ पूछ नहीं रही हो जी? अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां जो टू लिखा है ना, इस टू का मतलब होता है टू, मतलब क्या को या से, इस टू का मतलब दो मत समझना सारे बच्चे, क्योंकि ऐसे ही सरकार ने इसको लिखा इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, हर स्टैंडर्ड बुक में ही मिलेगा, ठीक। अब देखो पहला तो हो गया जी टू जी, पहला श्रेणी समझ में सारे बच्चों को आ गया। अब देखो दूसरा होता है जी टू सी, इसका क्या मतलब हुआ चंद्रशेखर? गवर्नमेंट। हाँ अब गवर्नमेंट को हम हल्का सा ले लेते हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन, इसका मतलब क्या हुआ ऋतुराज? सरकार से नागरिक से। ये तो गड़बड़ लिख दिया है ना जी ऋतुराज, तो सरकार गलत लिखा है ना? नहीं सर सही है। कैसे सही है जी? हम नहीं चुनेंगे सरकार को तो होगा, सरकार माने अथि होगा सर, ठीक है बात बताओ, नागरिक के ऊपर डिपेंड है, नागरिक से सरकार है कि सरकार से नागरिक है? नागरिक से सरकार है सर। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ये सिटीजन टू गवर्नमेंट होना चाहिए था ना? हम उसके अधीन कानून के अनुसार चलते हैं ना सर, इसीलिए पहले सरकार की प्राथमिकता है तब नागरिक। चलो देखो अब दूसरा क्या होगा जी टू बी, इसका मतलब क्या हुआ नीता? गवर्नमेंट टू बी का मतलब हो गया बिजनेस, इसका मतलब क्या हो गया? सरकार से व्यवसाय, कैसे लिखते हैं व्यवसाय? पलवी इतना ना डीपली नोट में नहीं मिलेगा तुमको, समझी? जी सर। तो हंस रही हो जी? कौन सा नोट्स पढ़ती है सर? अब तो पलवी जानेगी। सर तो हमारा नाम नोट्स में क्यों आया? सर अभी नहीं पढ़ रहे नोट्स का। मतलब मैसेज आज ग्रुप में था इनके, उनके क्या बीएनजीएस के सारे स्टूडेंट को पता चल गया होगा कि पलवी जी नोट्स पढ़ रही है।
स्पेशल नोट्स अलग हमारे क्लास में दो ही छात्र का आत्मा जो है ना भटकता रहता है, पहला मेरा नाम मत पहला छात्र है करण, दूसरा छात्र है पल्लव। सर हम नोट्स कब मांगे सर, नोट्स के लिए बोले। अरे हम तो आपसे कौन बोला है, कौन बोला है नहीं कोई बोला नहीं है ना, नहीं कोई बोलता नहीं हमको, हम जिससे आप लोग से बात करते हैं मेरे पास तो 6 से ज्यादा काम करता है पल्लव, ये हमें जेनेटिकली है। हम तुमसे 5 मिनट बात करेंगे पता चल जाएगा हमको आप किस नेचर की है, हमको जानकारी होता है ना, क्योंकि कभी बता दीजिएगा ताकि सुधार करेंगे और क्या करना है। अच्छा नहीं होगा, चलिए ठीक है फिर। सी टू सी इसका मतलब हो गया क्या, सिटीजन टू नोट्स पढ़ के मेंस तो पास कर जाओगे लेकिन विवेक का विकास नहीं होगा, मस्तिष्क का विकास नहीं होगा, व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, चरित्र का विकास नहीं होगा, है ना। आप है ना अभी देता हम जब तक हैं तभी तक ना पल्लवी, बैच खत्म हो जाएगा तो आप रहिएगा चंपारण में, हम रहेंगे इधर, है ना। संबंध तो बहुत कम दिनों का है, हालांकि बहुत लंबा समय हो गया, अभी तक तो खत्म हो जाना चाहिए था क्लास उलास हमारा। मुझे लगा आप हमेशा रहेंगे। मुझे लगा आप हमेशा रहेंगे। इधर टेक्स्ट मैसेज में अच्छा लगता है कि जियो हजारों साल, हैप्पी बर्थडे। सोच लीजिए सर, आप खुद से आप हटा रहे हैं, फिर कभी बड़े आदमी बन जाएंगे ना, मिल जाएंगे तो बोल देंगे नहीं पहचानते हैं। सर एक साल के लिए और रेकमेंड कर लीजिए सर हम लोग के साथ। अरे रहेंगे कब, कहां कहीं कहीं जा रहे हैं। आपसे क्वेश्चन सीधा पूछता है, एक क्वेश्चन कोई किताब है बताओ तो, मेरे पास किताब है तो बताओ, मींस क्वेश्चन पेपर है आपके पास इसका, साइंस टेक का लास्ट में लिखा होगा, आईसीटी वाले चैप्टर में देखना। यस सर। हाँ पढ़िए तो क्वेश्चन सर, सारे बच्चे क्वेश्चन सुनो, जितना 4-5 क्वेश्चन सब बता दीजिएगा, सुनो ध्यान से सारे बच्चे। अच्छा लेडीज फर्स्ट बोलने दीजिए चंद्रशेखर। हाँ ना तो ये परेशान हो गया। नहीं नहीं आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। अच्छा रेशम जी बोलवाइए सर, फर्स्ट बोले हैं उन्हीं को बोलवाइए। ठीक है। नहीं 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 कोई जरूरी नहीं। लेडीज चलिए सर बोल देते हैं सर। बोलिए। बिहार के जन समूह में विज्ञान का प्रचालन तथा वैज्ञानिक मिजाज और नजरिए का प्रसार राज्य में लंबी अवधि के विकास में किस तरह से मददगार हो सकता है, अपने सुझाव जरूरी स्पष्टीकरण के साथ दीजिए। ये 2017 AO का क्वेश्चन है सर। दूसरा है प्रश्न 2, बिहार में कृषि क्षेत्र के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है आधुनिक प्रौद्योगिकी भारत में सुशासन लाने में किस तरह से उपयोगी हो सकती है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाइए। चौथा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन फिर से सुनो सर बच्चे, फिर से पढ़िएगा। आधुनिक प्रौद्योगिकी भारत में सुशासन लाने में किस तरह से उपयोगी हो सकती है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाइए। बस रुक जाइए, ये कहाँ पूछा हुआ था क्वेश्चन, ये 2017 AO में सर। AO में ठीक है। जरा बताओ तो हम तो क्वेश्चन पूछा रहा है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी सुशासन लाने में किस प्रकार से मदद करता है, ये क्या है बोले बोले। यस सर यस सर, आधुनिक प्रौद्योगिकी जो भारत में सुशासन लाने के लिए किस तरह से उपयोगी हो सकता है, किस तरह से होगा बताओ। आधुनिक प्रौद्योगिकी सीधे क्या करना है तुमको, भूमिका में लिखना है आधुनिक प्रौद्योगिकी क्या मतलब, कि वही चर्चा शुरुआत में इसी का करना है, इसमें रॉकेट हेलीकॉप्टर का यूज नहीं करना है, किसका यूज करोगे नीता, ICT का यानी इन्फॉर्मेशन का यानी सूचना का, सी का मतलब किसका, संचार का, और दूसरा तकनीक का, क्योंकि सुशासन का और ई शासन का जब भी बात करेंगे ध्यान रखना, जहां भी ई शासन हो रेशम, जहां भी ई उसके बाद क्या हो ई गवर्नमेंट ई सरकार हो रागनी, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, ICT यानी इन सूचना संचार तकनीक, तभी यह सुशासन हो सकता है। आई बात समझ में, बाकी तो मेथड होते हैं, ये प्रोसेस हो गया, बाकी उनके मेथड्स हो गए इसी का। अब देखो कैसे अच्छा कर सकते हैं बताओ, तो उसको भूमिका लिखने के बाद में लिख सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके, कि हम निम्नलिखित चार्ट के माध्यम से यह समझ सकते हैं या दर्शा सकते हैं कि आधुनिक प्रौद्योगिकी बिहार अथवा भारत में निम्न प्रकार से सुशासन लाने में मदद करता है। ठीक है पल्लवी, समझिए यहां तक, फिर क्या करेंगे इसी चार्ट को बना लेंगे, समझी। और सारे चार्ट का जो भी देखो खाली चार्टे बनाए हैं ना, अब इसमें क्या करेंगे, इसको सजाएंगे, हरा चटनी डालेंगे, गरम चटनी डालेंगे तब ना स्वादिष्ट लगेगा। अब इसको और टेस्टी बनाएंगे, अभी क्या करेंगे इसको हम और टेस्टी बनाएंगे। अब चौथा प्रश्न पढ़िए चंद्रशेखर, क्या है। वर्तमान काल में सूचना प्रौद्योगिकी का युग है,
किस प्रकार सामान्य भारतीय व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है बताइए। सूचना सच्चा प्रौद्योगिकी का है, प्रभावित कैसे कर रहा है ना, सामान्य भारतीय व्यक्ति। यहाँ एक वर्ड क्या है कि सामान्य भारतीय व्यक्ति। अगर उस समय मान, अगर उस समय क्या होता है, रेशम अगर मेंस दे रही होती मान के चलिए, तो यही नहीं लड़की लिखती कि सूचना प्रौद्योगिकी का इंटरनेट कट जाता है तो व्हाट्सअप नहीं चला सकते हैं, फेसबुक नहीं देख सकते हैं, है ना, ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते हैं, जनरली यही सब बातें दिमाग में आती है ना रेशम। लेकिन हम जो सोचते हैं, फिर झूठ बोल रही हो, अभी ना तुम पढ़िए तो तुम्हारा दिमाग खुला है, उस समय तो यही लिख दी। लेकिन अब क्या है कि यानी हमको समान आदि का मतलब हुआ कि सूचना प्रौद्योगिकी मेरे पास में है वर्षा, तो क्या करेंगे हम जो भी क्वेश्चन घुमा के फिरा के पूछे, जब भी ई गवर्नेंस का पूछेगा इसको चार्ट को बनाना है और क्या करना है, हमको एक एक चीज को तोड़ के बताएंगे, लिखना है उसमें कि यह कैसे हमको क्या करेगा, यूजफुल होगा हमारे लिए। यहां तक समझ में आया सारे बच्चे? अब जरा बताओ ये जो ई गवर्नेंस का मतलब लगा, वो बार बार ई दिखाई दे रहा है हर जगह, देखोगे ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग पढ़े हैं ना। लेकिन जरा सोचो कि बिहार सरकार या केंद्र सरकार इस ई वर्ड पर क्यों ज्यादा फोकस कर रहा है, बताओ तो नीता। ई ज्यादा अंधेरे में है, पहला ऑप्शन, बी ई कम अंधेरे में है, क्या होगा बताओ? हम लोग क्या कहते हैं वर्षा की ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन नहीं, ई का मतलब क्या होता है इसको अगर हम डिफाइन करके दें, ये भारत सरकार का जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उन्हीं प्रोग्राम में या जो भी हम इलाबोरेट करेंगे वही लिखा गया हुआ है। देखो क्या है, यानी ई का मतलब क्या हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉनिक को ही सरकार ने क्यों चुना है। ई का मतलब यहाँ एलिफेंट हो सकता था, यानी हाथी शासन हो सकता था, ई का मतलब ईगल गवर्नेंस यानी गिद्ध का शासन हो सकता था, इस सरकार का पूरा निगाह नांगे पर है। अरे हंसो नहीं, कुछ बात को समझो, ई तो मतलब कुछ भी हो सकता था ना, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक से क्यों रखा चंद्रशेखर, इलेक्ट्रॉनिक से क्यों रखा मनीष बताओ, तुम तो हंस दी ना। सरकार की योजनाओं को नागरिक के माने समय नागरिक के समक्ष संचार सेवा के माध्यम से सूचना देना या उपलब्ध कराना, यही कारण। पूरा मंत्र पढ़ दिए हो। अगर भारत सरकार यहाँ पर देखो, अभी तो सरकार ने बोलता है कि अगर भारत सरकार लिख देता क्या ईगल शासन यानी ईगल गवर्नेंस, फिर भी इसको मीडिया वाला खूब उछालता कि भाई बताओ कि भारत सरकार क्या है, गिद्ध की तरह प्रत्येक नागरिक पर नजर रखेगी, किसको पास क्या कमी क्या जाता है। सरकार के पास जस्टिफिकेशन होता है रेशम एक एक वर्ड का, बात समझ में आया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स आया है मिसयूज के पीछे कुछ कारण है। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर हम यूज करेंगे तो मैंने अगर हम अपने काम में इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल किसी इक्विपमेंट का यूज करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स वे का हम यूज करते हैं तो हमारे काम में क्या आता है वर्षा, दक्षता आता है, इफिशियंसी आती है। यानी इसलिए यूज किया गया था शासन में क्योंकि सरकार के काम में क्या आएगा, दक्षता आएगा। लिख लीजिए आप लोग कहीं पे EFFICIENCY इफिशियंसी आएगी, यानी ई इलेक्ट्रॉनिक्स से हमारे काम में क्या आता है चंद्रशेखर, दक्षता आता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या आता है बताइए, सशक्तिकरण होता है। मतलब क्या इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, इम्पावरमेंट होता है। कैसे, इसका एग्जांपल आपके क्लास में एक लड़की बैठी हुई है, उसका नाम है पल्लवी। कैसे पल्लवी, देखो पल्लवी तो पटना नहीं गई है फॉर्म भरने के लिए, जो उनको महिला उद्यमी योजना के तहत लीन मिला है, ऑनलाइन अप्लाई की थी। भाई अगर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता, पल्लवी के पास इंटरनेट नहीं होता, फोन नहीं होता, तो फॉर्म अप्लाई करती नहीं, करती नहीं करती फॉर्म अप्लाई, तो उसको पैसा मिलता नहीं मिलता। लेकिन अपने उसने क्या किया, पल्लवी ने फॉर्म अप्लाई किया है, सरकार ने उसको लोन सैंक्शन कर दिया है और बच्ची अभी ट्रेनिंग भी ले रही है। यानी क्या, पल्लवी अब वो सशक्त हो गई है ना पल्लवी, समझ रही हो बात को, कोई भी हो सकता है, हम भी को सरकार लोन देगा तो हम भी सशक्त होंगे ना। यानी इम्पावरमेंट किसका हुआ पल्लवी, ये मेल का भी होता है और किसका होता है, फीमेल का भी होता है और किसका होगा, ट्रांसजेंडर का भी होगा। जैसे कि ज्योति जहाज आंसर लिखी है, मैसेज हम किए थे क्लास में, है ना, वो ट्रांसपोंडर को हरबरी में ट्रांसजेंडर लिख दिए, अद्भुत अद्भुत क्लास ऐसे सामूहिक नहीं बता दीजिए सर। नहीं जरूरी है ना, देखो अगर सामूहिक प्रहार नहीं करेंगे ना तो उसके मन में कटौत नहीं आएगा। अगर तुमको अकेले में हम डांटेंगे तो रात तुम रहे सर, तो अकेले में उनको डांटते हैं तो तुम ज्यादा वैल्यू नहीं, उसका सुधार नहीं कर पाओगे। आपको तो डांटे सर दो बार, तो सुधार मुझे भी नहीं डांटते हैं सर, मेरे में तो इतनी गलती होती है। सोचते हूँ सर कि सर कब डांटे,
कुछ और इम्प्रूवमेंट। तो गलती कीजिएगा तब ना डांटेंगे ऐसे, है ना। अब खुद सोचो ना कि जैसे कि क्लास बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे मनीष है, उसके बाद की करण है, पल्लवी है, नीता, ये सबका हाथ नहीं चलता था पहले, है ना। वास्तविकता यही है, भले तुम तो घर में बोल दो कि हम तो खुद से लिखना सीखे हैं, खुद से सीखी हो ना, लेकिन नहीं सर ऐसा नहीं है। यानी अगर तुम क्लास में नहीं बेइज्जत करते, नहीं क्लास में डांटते, पल्लवी इसलिए गुस्सा में हो गई सर अकेले कहानी हमको डांटते हैं ग्रुप में सर कहते हैं। हम उस समय नया नया मैंने ज्वाइन किया था सर, उसी समय 10 दिन हुआ था आप हमको दिए थे, उसके बाद धीरे धीरे दिए थे। बोला था कि सर डांटेंगे आज। फिर अब देखो दो चीज तो आ गया, यानी हम इलेक्ट्रॉनिक का यूज करेंगे नीता, तो हमारे पास क्या आएगा, दक्षता आएगा। यानी देखती हो ना, पहले अगर पल्लवी को मैसेज करना होता था नीता को, तो अगर कीपर वाला फोन था लिखता था एच पर टिपती, फिर ई पर टिपती, फिर एल पर दो बार टिपती। कभी किए ही नहीं हम, किए घर पे था ना मैसेज, वो टिप टिप टिक टिक आवाज आता, तो कितना स्लो हो जाए, फोन ही नहीं था मेरे पास। अब देखती हो पल्लवी तुरंत एकदम मैसेज कर देती है, यानी क्या इलेक्ट्रॉनिक मेरे पास क्या आया, दक्षता आया। आज लैपटॉप लोग चला रहा है, कंप्यूटर चला रहा है, टीवी चला रहा है, तो सरकार कुछ सोच करके इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज किया है। यहाँ पर इंटरव्यू में कहीं दिमाग घूमता है तो पूछता है कि भाई यही का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स से क्यों चुना, हाथी घोड़ा कुत्ता मिलाई क्यों नहीं चुना, ये सबको समझना होता है। क्योंकि देखो सब गवर्नमेंट में लिखा हुआ है, हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, कोई टीचर पढ़ाता भी नहीं इतना खूब करके, नोट्स में तुमको मिलेगा, इसलिए उसको लोग इग्नोरेंस समझ में चलाता है लोगों को। अब देखो दो दो चीज हो गया, अब क्या है, अब हमको क्या आता है कि प्रभावशीलता आता है। प्रभावशीलता इसको इंग्लिश में कहते हैं इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस प्रभावशीलता का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे अगर कंपटीशन हो व्हाट्सएप चैटिंग मैसेज करने का रेशम में, वर्षा में, पल्लवी में और नीता में, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या नाम है, वर्षा टॉप करेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैबिचुअल है अपने फ़ोन में, फ़ोन को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को लेकर के। तो वर्षा का प्रभाव किस पर जमेगा, पल्लवी पर जमेगा, रेशम पर जमेगा, नीता की, हाँ वर्षा दीदी अच्छा काम करती है, यही ना होगा ना, इसी को बोलते हैं प्रभावशीलता। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स को जितना ज्यादा आप यूज कीजिएगा उतना ज्यादा आप क्या होइएगा, पल्लवी स्किल होइएगा, उतना ज्यादा आपको क्या होगा, समाज में इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान एक दामाद की तरह मिलेगा, ये ना होगा प्रभावशीलता जी। आई समझ में आ गया, आ गया जी, इतना नहीं ना कोई तोड़ के बुझाएगा, समझ लो, है ना। आपको समझ में आ रहा है वर्षा मुजफ्फरपुर? यस सर, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो इतना दिन कहाँ गायब हो गई थी, इतना दिन कहाँ गायब थी, नहीं कल क्लास नहीं की थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है। अब देखो अब ई का मतलब क्या होगा, अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इलेक्ट्रॉनिक का तुम यूज करते हो, तुम्हारे पास क्या होगा, वर्षा इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट होगा। जैसे मान के चलो अभी क्या है कि ये क्या नाम है उनका, करण के पास मान के चलो कि कोई नौकरी नहीं है, मान के चलते हैं करण ने क्या किया, पढ़ाई लिखाई कर लिया, उसके पास इलेक्ट्रॉनिक का कुछ अच्छा ये जुगाड़ हो गया या सीख लिया, तो दुकान किशनगंज में खोल दिया, किसका, रेल टिकट काटने का, तत्काल टिकट का, फ्लाइट टिकट काटने का, या ई का कुछ काम करना शुरू कर दिया, तो कमीशन तो खाएगा ना भाई वो लड़का। यानी क्या कि जब उसके पास पैसा आएगा तो उसके पास क्या होगा, सामाजिक विकास होगा, अच्छा मकान बनाएगा, टाटा नेक्सन खरीदेगा, घूमेगा, है ना, इकोनॉमिक भी डेवलपमेंट उसका होगा, है ना करण। यानी ई से क्या होता, चला गया लड़का क्या है, यानी ई से क्या होता है, हर प्रकार का डेवलपमेंट होता है हमारे यहाँ, ठीक। अब क्या हो सकता है बताओ, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो सकता है, ई से हमारे पास में समृद्धि हो सकता है, यानी इनहेंसमेंट हो सकता है ना। कहने का मतलब हुआ नीता कि ई गवर्नेंस में, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक तो होता ही होता है, लेकिन ई गवर्नेंस का मतलब हो गया कि इस सारे प्रकार का उत्थान होता है, किसमें, हम में उत्थान होगा, आप में होगा, बाकी आपके जो आस पड़ोस वाले भाई बहन के लोग हैं सब में उत्थान होगा। तो अब जरा बताओ तो कि ई शासन में देखो इतना बड़ा मेरा कंसेप्ट है, क्या करना है पल्लवी, हमको समाज में प्रभावशील बनना है, हमको समाज में आर्थिक रूप से मजबूत बनना है, हमको समाज में क्या करना है कि समृद्धि प्राप्त करना है, हमको सशक्त बनना है, तो हमको किसका यूज करेंगे, सूचना और संचार दोनों का यूज करेंगे। जैसे अगर तुम कॉमन सर्विस सेंटर खोल लोगे और कोई तुम्हारे पास आएगा सर हमको जन्म प्रमाण पत्र बना दीजिए, तो तुमको रहेगा वह नॉलेज, सूचना रहेगा ना तुम्हारे पास कि भाई कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए कौन सा पोर्टल पे अप्लाई करते, तब ना तुम लिंक खोल के अप्लाई करोगे, इसीलिए सेंटर खोल लिया, हम देख रहे हैं कस्टमर का, तुम्हारे पास दुकान करने आए हैं, नहीं ना। यानी गवर्नेंस में तुमको सूचना भी चाहिए,
यानी तुम्हारे सूचना मतलब क्या होगी, जानकारी, यानी सरकार के हर प्रकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी उसका प्रोसेस ऑफ वे है, प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस है, उसकी जानकारी अगर तुम्हारे पास में है तब तुम क्या कर सकते हो, वास्तव में ई गवर्नेंस के कंसेप्ट को प्राप्त कर सकते हो या उसको यूज कर सकते हो। और प्लस में क्या, संचार में तो बस इंटरनेट होना चाहिए, संचार तो खैर ये समझो कि एक वे हो गया है ना, तो बिना सूचना का नहीं होता है ना। आने वाला जो चौथा विश्व युद्ध है ना, तीन को विश्व युद्ध के दो विश्व युद्ध हुआ था, दो विश्व युद्ध हुआ था, चौथा कहाँ से आ गया, हम व्याख्या करते हैं उसका। एक कवि जो होता है ना, जो साहित्य के विद्यार्थी होता है उसके पास हर चीज का व्याख्या होता है, नहीं चलता व्याख्या। तीसरा विश्व युद्ध होगा जल के लिए और चौथा विश्व युद्ध होगा डाटा के लिए, वर्षा को ज्यादा समझना था यानी जिसके पास सूचना रहेगा वो क्या करेगा, वो देश बहुत ज्यादा आगे जाएगा, विकास करेगा, समझी पल्लवी। अब एक बार फिर से हम सुनो कि चौथा कहाँ से है ना, हाँ यूपीएससी मैथिली साहित्य से देते हैं और बीपीएससी भी हमने मैथिली से दिया था एक बार, बाद में फिर ज्योग्राफी ले लिए थे हम, बीपीएससी में नंबर ले दिया ज्यादा उसमें मैथिली में, यूपीएससी में अच्छा नंबर मिलता है, शेखर भैया का भी मैथिली बहुत अच्छा है। आई बात समझ में, ये उसका अंतर होता है। तो देखो खैर ये सब बात समझ में आ गया सब लोगों को। अब देखो अब हम इसको चार्ट जो बनाए उस चार्ट को थोड़ा सा और चटपटा बनाने का हम प्रयास करते हैं कि जो ई गवर्नेंस हमारे हंस रखा है जी, चार्ट को चटपटा बना रहा हूं, गाने का मन करेगा। अब देखो अब तुमसे क्वेश्चन एक और चौथा क्वेश्चन क्या पढ़ा था चंद्र शेखर, पढ़ गया तो चौथा क्वेश्चन सर, हाँ पढ़ दिए थे ना पूरा, ये सर अच्छे से पढ़ रहे हैं, पढ़िए आप ही पढ़िए बताओ। हाँ रेशम सूर मिला ली है करके बताओ, रेशम पढ़ो पढ़ो। अच्छा उसका कम्युनिकेशन का ब्रेक हो गया, नेटवर्क वहां दिक्कत है ना। वर्तमान काल में सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, किस प्रकार यह किस प्रकार सामान्य भारतीय व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है। ई चार्ट तो लिखबे करेंगे, बनाबे करेंगे, साथ साथ में हम उसको क्या दर्शाएंगे, जो अभी हम डिस्कस किए ना चार को पांच को लाइन जो लिखे ई का मतलब, वो भी बताना कि मेरे पास सूचना होगा तो हम क्या करेंगे, पूरे विश्व पर राज करेंगे। अब देखो अब एक मेन पॉइंट यहाँ पे आता है इस चार्ट के, चार्ट में समझते हैं कि जो ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस है उसका यूज बिहार सरकार कितने श्रेणी में कितने प्रकार से करता है। देखो यहाँ पर तो सबसे पहला वर्ड क्या लिखे हैं चंद्रशेखर की, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के, ध्यान से समझो, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो ई गवर्नेंस है यानी सुंदर शासन सुशासन है वह सरकार और सरकार के माध्यम तक होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि सरकार का जो एक डिपार्टमेंट होगा उस एक डिपार्टमेंट से लेकर के दूसरे डिपार्टमेंट, ये क्या नाम है, दूसरे डिपार्टमेंट तक उसको क्या देना, सूचना देना। नहीं समझ में आया, समझो फिर से, जैसे बिहार सरकार का बहुत सारा विभाग है ना, वित्त विभाग है, आयकर विभाग है, उसके बाद की सामान्य प्रशासन विभाग है, शिक्षा विभाग है ना। मान लो कि हमको एक कोई दो विभाग का नाम बता, कोई आदमी अपने मन से बता, फिर हम समझा देते हैं, अलग अलग बताना, सामान्य प्रशासन और वित्त, हाँ सामान्य प्रशासन और वित्त वाला, ठीक, बड़ा इसको वित्त का ज्यादा प्रेम है चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर ने कहा कि बिहार सरकार का सर दो विभाग लीजिए, पहला लीजिए सामान्य प्रशासन विभाग का और दूसरा लीजिए किसका, वित्त विभाग का, वित्त विभाग का, ठीक। इसका सबसे ताजा एग्जांपल हम समझाते हैं, इस ताजा एग्जांपल का क्या एग्जांपल होता है, 67th बीपीएससी पेपर आउट, कहाँ बीपीएससी पेपर आउट होना, पेपर आउट होना कैसे समझो, यहां ध्यान से, बीपीएससी का एक और ये है ना, क्या नाम है, बीपीएससी एक हालांकि संवैधानिक संस्था है तो अलग ही काम करता है, उनका कोई ये नहीं है, लेकिन रिपोर्ट तो गवर्नर को देता है ना, मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल होते हैं। तो क्या हुआ कि बीपीएससी का सर्टिफिकेट का पेपर कैंसिल, ये लीक हो गया पहले, उसमें रेशम भी का नाम सुन रहे हैं, पहले लीक हो गया मेरा, हाँ तो जब ये पेपर लीक हो गया तो बीपीएससी ने क्या किया, बीपीएससी गया किसके पास, इसके पास गया सामान्य प्रशासन विभाग के पास में गया, मुख्यमंत्री को बोला कि सब पेपर लीक हो गया, मामला हम क्या करें, टेंशन वाली बात है। अब क्या कि सामान्य प्रशासन विभाग में, सामान्य प्रशासन विभाग ने किसको बोला, यह बोला है गृह विभाग को, गृह विभाग को, यानी जो राज्य के डीजीपी होते हैं उस डीजीपी, यह बोला मुख्यमंत्री बीपीएससी को कि तुम जाओ, तुम डीजीपी के पास में क्या करो, आवेदन दो कि हमारे यहां जो घटना हुई उसकी जांच करने के लिए, ठीक। तो बीपीएससी क्या करता है, डीजीपी को एप्लीकेशन देता है कि सर सर्टिफिकेट का पेपर लीक हो गया है कि इस पर आप तुरंत जांच बैठाएंगे। तो फिर डीजीपी क्या कहता है, डीजीपी चूंकि गृह विभाग किसके अंतर्गत है हमारे यहाँ,
सीएम के अंतर्गत है ना, सीएम के अंतर्गत ये भी आता है, ये भी आता है, दोनों आता है, सबको पता है ना, बालक पालिका को। तो ये जो डीजीपी है मुख्यमंत्री के पास गया कि सर ये मामला है, तो मुख्यमंत्री क्या करता, तुरंत कहता डीजीपी को ठीक है तुम एक स्पेशल टीम को क्या करो, गठन करो। समझ में आया? तो क्या करता है डीजीपी, तो पूरा भाई पुलिस का हेड होता है पूरे बिहार का, ये क्या करता है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यानी ईओयू के टीम जो होता है, जो एक स्पेशल पुलिस होता है बिहार का, हमने आर्टिकल लिखा था फेसबुक ग्रुप में भी डाला होगा, उसको पढ़ लेना। ईओ को क्या करता है, गठन करता है, बोलता कि अब तुम्हारा जांच यह करेगा, ठीक। तो जांच करेगा तो छुच्छे छुच्छे जांच करेगा, पैसा चाहिए ना जी भाई, जाएगा कार से पेट्रोल होगा, कहीं जाएगा तो खाना खाएगा, कहाँ से पैसा आएगा, आई बात समझ में। तो किसको भेजेगा, समापन विभाग को, यह वित्त विभाग को लेटर भेजेगा कि हमने समिति का गठन किया है एक पुलिस विभाग का, तुम इतना पैसा अलॉट कर दो। तो वित्त विभाग क्या करेगा, पैसा अलॉट करेगा, यानी देख रहे मामला कहाँ से कहाँ पर पकड़ा, कहाँ चलाया हुआ है, आई बात समझ में। और दूसरी बात क्या है कि यह समाज प्रशासन विभाग प्रत्येक जिले में जहां जहां ईओयू को जाना होगा उसका रहने खाने का व्यवस्था तो सरकार करवे करेगी, और सीधा डीएम उसको प्रोटेक्ट करेगा, जो जिला अधिकारी उनका हो तो पूरा पुलिस के भीतर में काम करेगा वो। देखो बताओ कि सरकार का एक विभाग दूसरे विभाग के पास गया कि नहीं गया, वर्षा रानी बेंगलोर वाली गया, तो इससे हमको क्या मिला, इससे हमको मिला कि नहीं मिला, ई गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भाई पेपर लिखो सबको पता चल गया। और दूसरी बात क्या है कि ये आगे चल के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यह कंसेप्ट गुड गवर्नेंस में, यानी सरकार को जैसा ही पता चला कि पेपर लिखो, पेपर को सरकार ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया, यानी एक अच्छा शासन मिला कि नहीं मिला, तो जरा बताओ। तो अगर हमारे पास मोबाइल होबे नहीं करता, इलेक्ट्रॉनिक होबे नहीं करता, है ना, पेपर लीक होबे नहीं करता, तो कहाँ से ई शासन आता हमारे पास, कहाँ से गुड गवर्नमेंट आता, अच्छा सरकार आता, सुशासन आता, नहीं आता, यानी सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी राज्य सरकार का विभाग हो या केंद्र सरकार विभाग हो, अगर एक विभाग दूसरे विभाग से किसी प्रकार का मदद लेता है या एक विभाग किसी दूसरे विभाग को सूचना देता है, तो उसको हम लोग क्या, किस प्रकार का शासन बोलते हैं, सरकार से सरकार तक का सुशासन या सरकार से सरकार तक का ई शासन। क्लियर हो गया सारे बच्चों को, यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? जी सर, ठीक। नहीं सर, नहीं समझ में आया आपको? नहीं सर, आया सर, बोले तकलीफ तो नहीं सर। तो तकलीफ नहीं है, तो ये लोगों के हाथ तकलीफ दे दिए हैं, नीता को, उसका मिसी का भी दांत गड़बड़ है, रागनी का भी दांत गड़बड़ है, नीता तो बहुत ठीक। ये तो समझ गए सारे बच्चे, इसको लिख लोगे ना भाई अपने भाषा में, एग्जांपल तुम इसको लिख सकते हो पेपर को, जो भी डिस्कस किया है ना वो तुम आराम से मेंस में डालना, इसको मिटा देते हैं तो जख्म को मिल जाएगा। अब देखो सरकार से नागरिक, इसमें क्या हो सकता है बताओ तो, यानी सरकार अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नागरिकों को किसी प्रकार का सुविधा देता है, तो उस प्रकार के हम श्रेणी को, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी सरकार से नागरिक तक का सेवा या ई शासन। जैसे बताओ तो नीता क्या हो सकता है, जन्म प्रमाण पत्र है ना, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र है ना, किसी प्रकार का बैंक का ऋण हो, किसी प्रकार का सूचना हो, यानी जो आम, जो सरकार जो है ना आम नागरिक को किसी प्रकार का फैसिलिटी अगर कैसा देता हो, ऑनलाइन माध्यम से देता हो, वह क्या कहलाएगा, गवर्नमेंट टू सिटीजन। उसके बाद बीपीएससी का फॉर्म भरना ऑनलाइन ना भरते हैं जी, बिहार दरोगा का फॉर्म भरना, सब तो फैसिलिटी हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये सारा का प्रोसेस क्या कहलाएगा, वर्षा मुजफ्फरपुर वाली ई गवर्नेंस, समझी सुष्मिता, चलिए गई सुष्मिता, है ना, आई बात समझ में, ये लिख लेंगे एग्जांपल इसमें। अब देखो गवर्नमेंट टू बिजनेस, इसमें क्या है बताओ, यानी क्या गवर्नमेंट टू बिजनेस का मतलब हुआ क्या, कि सरकार और व्यवसाय, यानी सरकार और व्यापारी के बीच में किसी प्रकार का कोई बात होता है जी। अब देखो क्या था, हमारे यहाँ पता है कि एपीएमसी एक्ट पर हाथ हम लोग, है ना, बाजार समिति का जो था वो 2006 में खत्म हो गया था, राइट, यानी सरकार अब क्या किया, सरकार कह रहा है कि अगर कोई किसान है जो व्यापार अपना प्रोडक्ट को बेचना चाहता है, तो बाजार समिति नहीं माल को लेकर क्या अपना ये पोर्टल बना दिया हुआ है, वह क्या करेगा, उसी पोर्टल पर अपना व्यापारी क्या करेगा, किसी प्रोडक्ट को अपलोड करेगा, और जो कस्टमर होगा उस प्रोडक्ट को उसके माध्यम से क्या करेगा, ये खरीदेगा। हाँ, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, ई नाम पोर्टल, ई नाम पोर्टल, ठीक। यानी सरकार क्या करता है, जब ऑनलाइन माध्यम से व्यापारियों को प्रोत्साहित करता है या सुविधा देता है या व्यवसाय खुद करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई शासन बोलते हैं।
ई व्यापार। अब बताओ, एक तो ये चीजें हो गई, अब क्या है कि सेकंड यहाँ पर क्या है, इम्प्लॉई, इसमें क्या हो सकता है बताओ तो पल्लवी। इम्प्लॉई का मतलब यह हो गया कि यदि अपना बिहार सरकार अपने कर्मचारी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी प्रकार का फैसिलिटी देता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई गवर्नेंस। जैसे क्या था, पहले का बिहार सरकार का जो भी कर्मचारी था मिसी रानी, तो पहले क्या था ना, लोग बैंक में जा कर सैलरी निकालते थे अपना, है ना, अकाउंट से पासबुक जमा करो, फिर 2-3 घंटा लाइन लगता था। अब क्या था, अब सरकार बोला कि नहीं, तुमको बैंक नहीं आना है, जस्ट जब महीना पूरेगा तुमको हम क्या करेंगे, मैं पैसा भेज देंगे और तुम्हारे फोन पर टिंग टिंग मैसेज आ जाएगा, समझ रहे तुमको पैसा मिल गया हुआ है। अब कर्मचारी बैंक नहीं जाता, अपना क्या करता है, यहीं पर निकल, यानी कर्मचारी से जो भी बिहार सरकार के इम्प्लॉई होते हैं या केंद्र सरकार के जो भी इम्प्लॉई होते हैं, उनको किसी प्रकार का जो भी फैसिलिटी मिलता है किसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, तो वह किस श्रेणी में आएगा पल्लवी, वह आएगा हमारा गवर्नमेंट टू इम्प्लॉय श्रेणी से। ठीक, अब थर्ड में पांचवा में पढ़ते हैं, सिटीजन टू सिटीजन, यानी नागरिक से नागरिक, इसमें क्या एग्जाम्पल आएगा बताओ, नागरिक से नागरिक में क्या आएगा, जो अभी ये जैसे अभी आप बताए कि गवर्नमेंट पैसा ट्रांसफर करता है एम्प्लॉय को, तो वो भी किसी और को, जैसे मुझे ट्रांसफर किया, मुझे कोई किसी चीज की जरूरत है तो हम किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। सर ये भी इसका एग्जांपल हो रहा है, आप पढ़ा रहे हैं और मुझे वो शिक्षा मिल रही है, ये भी तो नागरिक ही आएगा। हाँ, ये भी नागरिक फैसिलिटी है ना, तो जो भी आपको फैसिलिटी मिलता है सब वो सी टू सी में चला आएगा। अब यहाँ समझो, सरकार से व्यवसाय में ना एक और केस इसमें क्या आता है कि सरकार तो नागरिक को सुविधा देता ही देता है, लेकिन सरकार क्या करता है, ऑनलाइन माध्यम से अपना खुद का व्यापार करता है। इसे एग्जाम्पल देखोगी ना कि बिहार में बहुत सारे ऐसे सरकारी विभाग है, सरकारी क्या है कि काम है, जहां तुमको ऑनलाइन टिकट मिलता है ना, जैसे देखो सर, राजगीर का जू सफारी है ना, राजगीर जू सफारी, फिर पटना में कौन है गिंडा वाला संजय गांधी उद्यान, उसके बाद की जहां तुमको बिहार सरकार, उसके बाद देखो कि पश्चिम चंपारण में कुछ बना है बेतिया में पर्यटन के लिए, तो उसका भी टिकट तुम ऑनलाइन खरीद सकते हो। जो नहीं कि तुम आप पश्चिम चंपारण में जाओगी, वहां रुकोगी, तब टिकट खरीदोगी, तो किसके पास समय है, ऑनलाइन टिकट देखेंगे भाई सीट खाली है कि नहीं खाली, हम क्या करेंगे, खाली है तो हम बुक कर लेंगे। जैसे सर ऑनलाइन बस का टिकट करते हैं, हाँ, तो वो कैब, हाँ, ऑनलाइन सिनेमा का टिकट बुक करते हैं, बस का टिकट बुक करते हैं, ट्रेन का टिकट बुक करते हैं, गवर्नमेंट टू बिजनेस हो जाएगा भाई, व्यापार नहीं किया सरकार है ना, इसमें सब हर चीज चलाएगा, बात समझ में। तो ये हमारा क्या, ये क्या है कि ई गवर्नेंस का एक साधारण सा हिस्सा है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि ई गवर्नेंस को यूज करते हैं। अब हम मुद्दा एक और थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं इसको, कि हमारे बिहार में ई शासन का बेसिकली क्या है कि महत्व, तो हम कैसे समझ सकते हैं, और इसको मिटा दें अच्छे से, समझ में आ रहा है वर्षा? ये सर, एक और वर्षा है उसको, ये सर। तो मुजफ्फरपुर में ना ज्ञान की ज्योति फैलाना, ठीक है, जो भी आपके अनुज होंगे या अनुजा होंगे उनको बताना ये सब चीजें, फैसिलिटी सब सुविधा हो जाएगा आपको। अब देखो ये तो हमारा हुआ कि थोड़ा सा एडवांस पढ़ लिया हम लोग, अब थोड़ा सा लोकल समझते हैं, राजभो क्लास में। अब देखो यानी अब हम समझते हैं क्या कि जो इसकी महत्ता क्या हो सकता है, बताओ अगर हमसे पूछे एक लाइन में कि बिहार में ई शासन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की क्या महत्ता है, तो निम्नलिखित महत्ता है। पहला में क्या लिख सकते हैं, ई परिवहन में यानी देखे होंगे कि मुजफ्फरपुर से आजकल पटना के यहाँ के लिए, पटना से मुजफ्फरपुर के लिए इलेक्ट्रॉनिक बस चलता है, उसका टिकट तुम ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। अगर तुम बिहार सरकार के किसी बस, सरकारी बस में तुम बिहार से भी जाना चाहते हो, पटना से या कहीं और जाते हो ना, अगर तुम वापस कैश नहीं, तो तुम उसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से। यानी क्या कि अब ई शासन का यूज बिहार सरकार कहाँ करता है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक का यूज कहाँ करता है, ई परिवहन में। इसकी महत्ता हुई कि नहीं हुई, यानी कि हमारे यहाँ परिवहन काफी स्मूथ हो गया। फिर देखो दूसरा कहाँ हो सकता है, ई बाजार में यानी इन ई मार्केट, मतलब वही चीज है ना कि जो हम नीचे डिस्कस किए हैं उसी चीज को हम यहाँ पर, जी टू बी हो गया। फिर देखो कि दैनिक जो, अब देखो कि तीसरा में क्या हो सकता है, ई बाजार में क्या होता है, देखो यहाँ पर समझो इसमें क्या कि जैसे कि हर दिन देखते हो ना कि कभी तेल का दाम बढ़ गया, कभी घट गया, कभी सरसों का दाम बढ़ गया। अच्छा एक चीज से कंफ्यूजन हुआ आप लोगों की, मार्केट में जाइएगा ना, अगर सब्जी का दुकान होगा ना तो आलू का सब का एक ही जैसा भाव होगा, है ना, मोल मोल करोगे तो एक आध रुपया कहीं कम देगा, कहीं महंगा तुमको देगा, ऐसा
सोचो कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो भी व्यापारी लोग होते हैं ना, सबके पास सरकार रात में ही सूचना दे देती है ऑनलाइन माध्यम से कि कल सुबह होते ही यह प्रोडक्ट का दाम इतना से ज्यादा नहीं, जो बेचेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, तो एक ही रेट सब रखता है ना। फिर और महत्ता क्या हो सकता है बताओ, ई नागरिक सेवा में, ई नागरिक सेवा में वही चीज जो पढ़े ना, जन्म प्रमाण पत्र बनाना, आवासीय है जो भी सर्टिफिकेट हो सब इसमें चला जाएगा। और किसमें आ जाएगा बताओ तो, ई ग्रामीण विकास में, है ना, ई ग्रामीण विकास में, यानी ई डेवलप, ई रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट यानी ई शासन का, यानी हम ग्रामीण को यानी गांव को विकास करने में भी हम इलेक्ट्रॉनिक का यूज कर सकते हैं, सूचना और संचार का हम यूज कर सकते हैं, है ना, यानी हम मोबाइल पर इंटरनेट के माध्यम से दूसरे गांव में क्या क्या बढ़िया काम हो रहा है, कितना अच्छा सड़क है, कितना अच्छा लाइट लगा हुआ है, उसकी जानकारी हमको मिल सकता है, मिलेगा हमको, तो हमारा जो गांव या पंचायत पिछड़ा हुआ है तो पंचायत का जो मीटिंग होता है उस मीटिंग में हम इस बात को रखेंगे कि भाई फलना पंचायत में इतना डेवलपमेंट है, हमारे पंचायत में डेवलपमेंट कम है, तो हमारे यहाँ क्या होगा, हमारे गाँव का विकास होगा। ये कैसे संभव हो पाए, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से। और बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग में हर प्रकार का डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया कि कौन सा ये गांव बनिया है, कौन सा गांव कम है, आजकल तो भाई प्राइजो मिलता है ना अच्छे गांव को। फिर बताओ कि ई शैक्षणिक सेवा में है ना, ई गवर्नेंस का यूज, कि अगर आपको पढ़ाई करना है पढ़ाई कीजिए, और वो पूरा डॉक्यूमेंट आपको सरकार क्या करेगा, स्पीड पोस्ट के माध्यम से घर पर भेजेगा, है ना। ई शिकायत करना, अगर तुमको बिहार के किसी भी कर्मचारी से किसी प्रकार का शिकायत हो सकता है, तुमको फोन नंबर दिया है ना, इतना डायल करो, तुमको शिकायत करो किसी पदाधिकारी से, फोन नंबर, ये पोर्टल दिया है, वे पोर्टल, पोर्टल पे जाओ, वहाँ शिकायत कर दो। आई बात समझ में? तो ये सब जो भी चीज़ें डिस्कस किए सब इसमें, इसमें भी आप चाहे तो लिख सकते हैं उसको इलेबोरेट करके। अब बताओ तो चंद्रशेखर, कि अब एक इसमें वर्ड आता है कि हमारे पास जो अगर ई गवर्नेंस होगा, ई गवर्नेंस होगा, इसकी क्या क्या विशेषता होगी, क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा, बताओ तो वर्षा, क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा, इसको पॉइंट बताइए हल्का सा ही। ई गवर्नेंस का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, विशेषता क्या हो सकता है बताओ। सर इससे पारदर्शिता आएगी, बहुत बढ़िया, और क्या आएगा, और सर मैन पावर कम यूज होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, और काम जल्दीबाजी होगा, बहुत बढ़िया, कम रिसोर्स में हम ज्यादा चीज क्या कर सकते हैं, जी सर, कम बजट में ज्यादा वर्क हो सकता है, डेटा का संरक्षण होगा, और सूचना जो है बिल्कुल इंस्टेंट मिलेगा, है ना, रॉकेट की तरह, और सही सूचना प्राप्त होगी, सही सूचना प्राप्त होगा, समझ में, ये सब उसकी क्या विशेषता को लिखना है, पूछेगा तो ही लिखना, नहीं पूछेगा तो उसको नहीं लिखना है, ठीक। अब बताओ कि बिहार में जो ई शासन है ना, जरा बताओ तो कि बिहार में ई शासन ने अभी तक कितना बढ़िया बढ़िया काम किया, क्या उसमें डेवलपमेंट आप लोग देखते हैं, कोई आदमी बता सकता है बताओ। जैसे भी है ना सर, बिहार लोक सेवा का अधिकार जो है सर, उसमें तो ई शासन के माध्यम से ही सब डॉक्यूमेंट्स हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद सर ई प्रोक्योरमेंट है, ई निविदा सब है, उसके बाद सर ई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो भी चल रहा है, और सर जन शिकायत निवारण प्रणाली जो है, सैटेलाइट से जो है, मतलब जो सैटेलाइट से मतलब बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है उस सबका निरीक्षण करते हैं, और उसके बाद कोई भी कर्मचारी है जैसे कि आशा के लिए जो है एप्लीकेशन सर लॉन्च किया गया है सर, ठीक है, यही सब मतलब बिहार में जो भी चीज पर सब ये देख ही रहे हैं हम लोग। अब यहाँ समझते हैं एक और महत्वपूर्ण बात आता है कि इस पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स ई शासन जो है इसको संभालता कौन है, इसको संभालने के लिए बिहार सरकार का एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है बिपार्ड, नाम सुने हैं आप लोग बिपार्ड का, नाम सुने हैं जी, बोलो ना, पढ़ाई नहीं है तो बोलो कि क्या फुल फॉर्म बाटे, बताइए। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट या डिपार्टमेंट, देखिए इसको बोलते हैं बिहार इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, DEVLOP, समझे चंद्रशेखर, यस सर,
पूरा करना है ना। अब देखो पूरे के पूरे ई गवर्नेंस में ना, वो इस बिहार में उस सारा का दायित्व तो किसका है, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्या कि बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास है ना, बिहार बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान या संस्था। अब देखो समझो यहाँ ध्यान से, हमारे पूरे बिहार में सुष्मिता जो ई गवर्नेंस है या ई गवर्नमेंट है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए बिहार सरकार ने बिपार्ट को जिम्मेदारी सौंपा है। क्या सोचा देखो कि लोक प्रशासन यानी बिपार्ट को बिहार सरकार ने कहा है कि भाई तुम प्रशासन को इतना मतलब कैसा होना चाहिए, तो लोक का मतलब क्या होना चाहिए, यानी पब्लिक ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी पब्लिक का जो भी समस्या है जो भी उसका समाधान हो सकता है वो कौन करेगा, बिपार्ट करेगा। साथ साथ में जो गांव का विकास करने का जिम्मेदारी किसको दिया गया हुआ है, पहले भी बिपार्ट को। तो हमारे बिहार में जो ई गवर्नेंस है ना, उस ई गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन प्राप्त करने के लिए सूचना और संचार के माध्यम से जिम्मेदार कौन हुआ, मनीष कुमार, तो बिपार्ट महोदय हुआ। इसके लिए क्या किया है, इसके लिए इन्होंने तीन प्रकार के पिलर्स का क्या किया है, पिलर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, स्तंभ। तीन प्रकार के स्तंभ को क्या किया है, चिन्हित किया है, ठीक है। देखो पहला कौन कौन स्तंभ है, यानी इन्होंने कहा है कि हम तीन ही प्रकार से पूरे बिहार में क्या करेंगे, ई शासन का बाढ़ लेकर के चलाएंगे, यानी हर नागरिक को क्या मिलेगा, ई गवर्नेंस का लाभ मिलेगा। समझ रही हो मिसी रानी, सबसे पहला क्या था, उसका नाम था स्वान। स्वान का क्या मतलब होता है अनीता, स्वान एक संस्कृत शब्द, इसका मतलब होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्वान घोड़ा, स्वान मतलब कुत्ता होता है कि घोड़ा होता है, कुत्ता होता है घोड़ा होता है, कारण है ना, नोट्स पढ़ने पर तो ज्यादा कंफ्यूज हो गया, तो कहां से नोट्स पढ़े जा, कोई नोट्स में थोड़ी दिया है, अरे तो नोट्स वाले कौन से, देखो स्वान यानी स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। जब बिहार सरकार ने कहा बिपार्ट को कि बिपार्ट तुम क्या करो ई गवर्नेंस को लागू करो, तो बोला कि सर हमको अब तीन पिलर दीजिए तब ना हम मकान बनाएंगे जी। जैसे का बोला कि बताओ क्या चाहिए, तो बोला पहला पिलर हमको किसको दीजिए, स्वान दीजिए। देखो अनपढ़ नेता था, बोलता कुत्ता चाहिए तुमको जी, दे दीजिए मुख्यमंत्री जी, अरे कुत्ता नहीं होता है भाई, ये होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क होता है। यानी इन्होंने कहा बिपार्ट ने बिहार सरकार को कि हमको एक ऐसा एरिया दीजिए जो वाइड एरिया नेटवर्क, जहां से नेटवर्क पूरे बिहार के नेटवर्क को क्या करे, कंट्रोल कर सके, क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। बात समझ में, इसका स्थापना कहां किया गया था, पटना में, सब तो पटना में ही होगा है ना। और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि जब तक हम पूरे बिहार में इंटरनेट नहीं फैलाएंगे तब तक हम ई शासन का जो आपका संकल्पना है ना मुख्यमंत्री जी, वह लागू नहीं हो पाएगा। बात तो सही कह रहे हो। इसी स्वान के रिकमेंडेशन पे बिहार सरकार ने भारत सरकार से बात किया, और भारत सरकार का जो इसरो विभाग है वो उपग्रह छोड़ा आसमान में, तब जाकर के हमको पटना में क्या मिला, 20 किलोमीटर एरिया में जाकर के हमको क्या मिला, इंटरनेट मिला। उसी को बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, यानी हम बहुत लंबे दूरी तक हमको चले जाएंगे, हमको क्या मिलेगा, फ्री में वाईफाई मिलेगा, तब ना हम ई शासन देंगे जी। आप तो कहें कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा, कागज पत्र कम होगा, तो भाई हमको तुम नेटवर्क दोगे तब ना हम काम करेंगे। सरकार बोला कि ठीक है, अब तुमको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक। दूसरा था क्या, दूसरा जो पिलर था, स्तंभ था, उसको बोलते हैं एसडीसी। बताओ तो एसडीसी का क्या मतलब हो गया, सब डिविजनल कलेक्टर, यही ना होता है जी। देखो यहां पर हो जाएगा स्टेट डाटा सेंटर, यानी इन्होंने कहा बिपार साहब ने बिहार सरकार को कि सर इतना लोग को जो वाईफाई दीजिएगा, नेटवर्क दीजिएगा सुष्मिता, वो लोग कुछ ना कुछ तो यूज करेगा ना जी, तो उसके जो डाटा होगा उसको हम कहाँ स्टोर करेंगे, तो स्टेट डाटा सेंटर, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, एक अपने राज्य में कहीं पर स्टेट डाटा का गठन करना, ये करना पड़ेगा, उसका एक ऑफिस बनाना पड़ेगा। बोला ठीक है बनाओ, ये भी बनाया गया कहाँ पर, पटना में। और एक और अंतिम पिलर था, उसका नाम बोलते हैं आरटीपीसी, है ना, आरटीपीएस। इसका कोई फुल फॉर्म बताओ तो क्या है, देख करके कोई आदमी, राइट टू पब्लिक सर्विस है ना सर। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब होता है राइट टू पब्लिक सर्विस, यानी
इसने कहा, किसने, बिहार ने कहा, बिहार सरकार को वर्षा, कि आप सभी नागरिकों को एक लेटर मतलब कानून बना के दीजिए कि तुमको क्या है, सूचना का अधिकार है, क्या है, पब्लिक सर्विस, यानी सभी लोगों को सरकार से सेवा लेने का अधिकार है। भाई सरकार देखो, आम नागरिक बहुत डरता है ना जी सरकार से, कहा जा पता है सरकार के पास नहीं जाता है वो, लेकिन आप उसको ओपन बताइए कि अगर तुमको कोई भी यूज काम करना हो रेशम तो तुम सरकार के पास क्या आओ, बेझिझक आओ। आई बात समझ में? तो ये तीनों क्या करता है, ये तीनों जो विंग स्तंभ होता है वो वर्तमान में भी हमारे ई गवर्नेंस के कंसेप्ट का जो सर्वर होता है, ये समझो कि इंटरनेट का जो भी मतलब सर्वर है, इंटरनेट का जो भी डाटा होता है, वो यही तीनों मिलकर के क्या करता है, कंट्रोल करता है। कहाँ? पूरे बिहार में। किसके माध्यम से? इसरो के उपग्रह के माध्यम से। पल्लवी रानी, समझ में आया यहाँ तक की बात आपको? जी सर। बताओ तो कितना जानकारी मिली इसमें? नहीं नहीं। अब अपने बता दे रही है। अब देखो इसका कुछ और महत्व बताओ तो हमको भाई, कोई आदमी और महत्व बताओ जी, दो तीन ठो और बताओ। सर ये हो सकता है सर, पंचायत को जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। हाँ सब है, सब महत्ता में आएगा। सुष्मिता आप बताइए जी। मनीष कुमार चुप हो जी, नाराज हो गए हो क्या? बताओ जी, तुम भी नहीं बोल रहे हो तब से। मनीष चला गया है? नहीं रहेंगे सर, तब ना बोलेंगे। आगे बढ़े। अब देखो ये तो इतना हो गया है, जैसे कल हम लोग कोरोना के समय में चर्चा किए थे, समझी रेशम, ये जो डीडीएलजी फिल्म बन गया था ना, देखे हैं सब लोग? देखे हो डीडीएलजी फिल्म जी? डीडीएलजी? हाँ डीडीएलजी। हाँ सर, डीडीएलजी ना सर, डीडीएलजी। हाँ वही है, उसमें देख तो शाहरुख खान नाम रख लिया, राज, राजेंद्र नाम रखता है जी, है ना जी सर। उससे हमारे हिंदुस्तान के युवक युवती इतना प्रभावित हो गई है ना कि नाम के आगे पीछे राज सबसे मतलब उसको क्या बोलते हैं, पल्लवी राज, ऋतु राज, ऐसा कुछ नहीं। कुमारी का कुछ नहीं लग रहा था, अरे वो तो है ना, प्रत्यय जोड़ लिया है ना, कुछ लोगों ने बात से कुछ लोगों ने प्रत्यय जोड़ा, कुछ लोगों ने मतलब सर जोड़ लिया, सर प्रत्यय दोनों जोड़ लिए पहले से था। हमको वो चीर होता है फेसबुक पर, देखिए ना, फल्ला मनोहर राज, चंद्रशेखर राज, फलना राज, चिल्ला राज, मतलब राज कैसे राज है भाई, है ना। चलो देखो, तो कुमारी लगाने में अच्छा नहीं लगता, इस वजह से हम राज लगा दिए, रेशम राज। रानी भी लगा सकती हो ना, रेशम रानी, नहीं रानी वानी नहीं बनना, राज बनना है, नहीं राज मतलब पब्लिक को करोगे कंफ्यूज। बहुत लोग सर पड़ी लगा देता है, पड़ी भी अच्छा। चलो अब बताओ, अब यहाँ पर देखिए ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब जैसे कि सब तो हम लोग पढ़ लिए हैं कि क्या लिखा हुआ है, सारे बच्चे क्या क्या उसका यूजर्स हैं जी, सिंपल सा है। अब देखो अब ई गवर्नेंस का, जब हमारे यहाँ कोरोना था पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, तो कोरोना के समय में बिहार सरकार ने ई गवर्नेंस में क्या क्या काम किया, कोरोना के समय में भाई जब पूरा बिहार का नागरिक त्रस्त था, लोग जहां है वहीं रुका पड़ा हुआ, तो ऐसा कौन सा बिहार सरकार ने काम किया जिसके कारण से बिहार का नाम पूरे देश में फैला, पूरे दुनिया में फैला, और हम लोग गर्व से कहते हैं कि हाँ हम बिहारी हैं। कृषि के माध्यम से, और कृषि यहाँ पे है, इस वजह से उतना फर्क नहीं पड़ा हम सबके जीडीपी में। समझ रहे हैं, पहले बोलते हैं रेशम, तुम बहुत आजकल खुश रह रही हो, समझ रहे हैं चीजों को, लेकिन हम नहीं, जो कहां खुश हम पूछ रहे हैं कोरोना का, तो तुम कृषि में कहां चली गई हो, हम देखो सरकार ने क्या किया, जब कोरोना का समय आया था तो सरकार समझी कि भाई हमको ई गवर्नेंस देना है पब्लिक को, तो हम कुछ बेहतर काम करें जिसको घर बैठे पूरा काम मिला, तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने गौर नामक क्या किया, एक एप्लीकेशन डेवलप किया जिसको क्या बोलते हैं, गौर ऐप, क्या होता है आप लोग उसको गूगल करके लिख लेना, ठीक। फिर दूसरा कौन सा ऐप डेवलप किया, बिहार कोरोना सहायता सहायता ऐप। फिर क्या किया, हीट कोविड ऐप, और क्या क्या किया बताएं, ई पीडीएस, यानी अब क्या कि अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो बिहार सरकार कर्मचारी था ना, अब अनाज देने के लिए कहां घर घर जाना शुरू कर लिया,
यही था ना जी। यस सर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसका वेरिफिकेशन होता है। हाँ, अब ई लाभार्थी ये सब जो ऐप है ना वर्षा, ये सब कोरोना काल में सरकार ने डेवलप किया था। फिर क्या था, ई संजीवनी है ना, संजीवनी ऐप। संजीवनी ऐप किसका था, झारखंड का नहीं, झारखंड का। और क्या था, वंडर ऐप, अश्विन पोर्टल है ना। हाँ बहुत बढ़िया, क्या था, अश्विन पोर्टल। और कुछ अब देखो, अब समझो यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा स्टे करते हैं, फिर हम आगे बात को बढ़ाएंगे। अब देखो इतना तो कर लिया, गाना कौन गा रहा है जी भाई इतने विषम स्थिति में, तो यानी अब देखो तो रेशम विषम देखो। अच्छा क्लास करने से कुछ फायदा होता है नहीं जी, दिमाग खुलता है कई बार, नहीं पर भी पैसा लगता, लेकिन कुछ सीखता है आदमी। नहीं आप पढ़ाते तो मजा आता है, नहीं प्रदीप जी भी पढ़ाते तो बहुत मजा आता है, पढ़ना पढ़े नहीं किए। अब देखो कौन कौन प्रदीप पढ़ाते तो मजा आता है। प्रदीप सर हैं, कभी मिलवा देंगे तुमको रेशम, तुम भी फैन हो जाओगी सर की। नहीं सर, आगे चलें फिर देखो, आगे बढ़े। यस सर, ठीक। अब देखो इतना, अब देखो कि सोचो कि बिहार सरकार ना मतलब पहला राज्य है हिंदुस्तान का कि जो कोरोना में इतना सारा ऐप डेवलप कर दिया। यानी हमारे लायक चाहे बिहार में हो वर्षा या बेंगलोर में हो या यहाँ पर हो, हम भी 1000 रुपया लिए थे उनसे, था ना कि भाई 12 फंसा 1000 रुपये उसको मिलेगा, हमें भी मिल पाया था, कुछ और दोस्तों को दिलवाए थे उसमें उस होटल पे। यानी अब तुमको जहाँ हो तुम वहीं रहो, तुमको सरकार अनाज पहुंचा रहा है, तुमको सरकार पैसा दे रहा है, तुमको सरकार विभिन्न प्रकार का जानकारी दे रहा है, तुमको सरकार विभिन्न प्रकार का सर्टिफिकेट दे रहा है, सब किसके माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से। ठीक, तो इतना काम किया क्या, इसका क्या मतलब हुआ, क्या नाम है उसका बच्ची का, मिसी रानी, जब इतना सब काम किया। अरे रेशम बहुत अपना ही, मतलब अपना ही के लिए फूली रहती है, बहुत बच्चे सर तो है। अब बताओ इतना काम जो किया इतना, अच्छा राज हंसता है ना, तो कोई देखो इतना जो आदमी काम किया बिहार सरकार चंद्रशेखर, इसका मतलब क्या कि हमारे यहाँ बिहार सरकार में क्या हुआ, डिजिटल फैसिलिटी दिया, यही ना दिया जी, डिजिटल फैसिलिटी दिया। यानी बिहार सरकार क्या किया, डिजिटली बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया अपने आपको, किसमें, कोरोना के समय में। यानी क्या, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या किया पल्लवी, अपने बिहार के प्रत्येक निवासियों को सरकार का क्या योजना का लाभ पहुंचाया, ई गवर्नेंस दिया, बिहार बहुत बड़ा काम किया। तो इसी से खुश होकर के, ध्यान देना, इसी से क्या किया, भारत सरकार खुश हुआ कि भाई तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, क्या कि कोरोना के समय में तुमने क्या किया, अपने बिहार के लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सर्विस के माध्यम से, डिजिटल तरीके से माध्यम से तुमने उसका सेवा किया है, तो हम तुम पर खुश होते हैं और तुमको हम क्या करते हैं, एक इनाम देते हैं, उस इनाम का क्या नाम रहेगा ऋतुराज, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020। अब याद कीजिए बालक बालिका, यह प्रश्न क्या था, 67 बीपीएससी पीटी में पूछा था कि नहीं पूछा था, पूछा था। अच्छा ये तो था कोरोना के लिए, लेकिन भाई साहब देखते हो कहां से कहां फंस गया जी नीता। अब बताओ कि कौन आदमी सही सही की बनाया था इसको, नहीं से गलत हो गया था, गलत हो गया था ना, लेकिन जो बचवा सब है, तो आप लोग तो ऑनलाइन पढ़ लिए हैं, चूंकि पैसा दिए हैं तो सर को गन्ना की तरह पेरवे करेंगे जी, है ना सुबह शाम। लेकिन जो बिहार सरकार का चेलवा सब है जो स्कूल में पढ़ता, सरकारी स्कूल में, वो बोला सर हमारा पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, सरकार बोला कि हमारे लिए भी तो कुछ कीजिए आप, है ना। तो बिहार सरकार बोला की बात तो तुम सही कह रहे हो, तो उसने सरकार ने क्या किया, जो भी बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे ना, उनके लिए सरकार ने क्या किया, एक योजना शुरू किया, उसका योजना का नाम था डिजिटल बिहार इसकी प्रोग्राम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं नीता रानी, डिजिटल बिहार कार्यक्रम चला दिया। अब इसमें क्या कहा गया बताओ, इसमें कहा गया कि जो भी छठा क्लास से लेकर के सिक्स क्लास से लेकर के ट्वेल्थ तक के जो स्टूडेंट होंगे, उनको हमारे बिहार सरकार के जो मास्टर साहब होंगे, वो क्या करेंगे पल्लवी रानी,
ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाएंगे। तो याद कीजिए 67वीं बीपीएससी पीटी का प्रश्न था कि डिजिटल बिहार कार्यक्रम किससे संबंधित है, ये ऑप्शन था ना पचमा क्या था, पांच से दस क्या था ना जी, पचमा क्लास का बी सर। इसका आंसर क्या होगा सर? ई होगा, मतलब मुझे ई होगा ना, वही तो ई गलती से जो मारा वो सही होगा उसका। बी ऑप्शन क्या नहीं था सर, मतलब मैं समझ के ये मारी थी। हाँ, छठा क्लास का सी में क्या था, सातवां क्लास का डी में कुछ और रहा होगा, है ना, ई में वही था। इसका क्या आंसर होगा? ई, यानी जो डिजिटल बिहार कार्यक्रम था नीता रानी, हम लोग भी ई मार के आए सर, सही होगा, चिंता ई मार के आए सर, लेकिन अरे हमने वेरीफाई किया है भाई साहब सरकार के वेबसाइट पर, ऐसा नहीं है कि आपको हवा में हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो मार दिया, नहीं नहीं, वो सरकार का वेबसाइट पर जाओगे ना आप, बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट पे लिखा गया हुआ है, 2020 में ये शुरू किया गया था कि डिजिटल बिहार कार्यक्रम जो शुरुआत किया गया था कि छठे क्लास से लेकर के बारहवें क्लास तक के व्यक्ति को क्या करना है, सॉरी हमने गलत बोल दिया है, ये ऑनलाइन नहीं पढ़ाई देगा बल्कि ये क्या करेगा कि कंप्यूटर का एजुकेशन देगा, कंप्यूटर शिक्षा के लिए ये था, कंप्यूटर एजुकेशन। हाँ, ये कंप्यूटर एजुकेशन है, बैठे बैठे क्या करोगे, अंतराक्षी शुरू कर दिया उसने, तो सरकार बोला कि तुम कुछ करो, तुमको हम डिजिटल बिहार, यानी हम बिहार को डिजिटल बनाएंगे। तो जो भी छठा से लेकर के बारहवां तक क्लास का बच्चा रहता था उसको क्या किया कि ऑनलाइन माध्यम से ही कंप्यूटर का एजुकेशन देना शुरू कर दिया। यानी पीटी में पूछा गया हुआ प्रश्न था, यानी अगर दो प्रश्न आपसे बन जाता बताओ, इसी को बोलते हैं पढ़ाई विद इंटरलिंकिंग। जैसे पढ़ती हो नदी जोड़ो परियोजना, तो यही होता है कि शब्द जोड़ो परियोजना, कहीं से कहीं उसको टिका दिया है ना। पल्लवी आ गया समझ में सारे बच्चों को? अब देखो, अब ओवरऑल समझो क्लास में क्या सुष्मिता कि हमने क्या डिस्कस किया कि बिहार में जो ई शासन है उस ई शासन में सूचना और संचार का क्या क्या महत्व हो सकता है। तो जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया तोड़ के मरोड़ के, है ना, वो सब इसमें क्या करना, दिमाग में रखना और इसी बातों को उसमें क्या करना है, लिख देना है। क्योंकि ये टॉपिक आपको कहीं एक जगह नहीं मिलेगा, इसको जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम उसको नहीं लिख पाओगे आंसर में। अब बताओ तो पल्लवी कि इससे प्रश्न संबंधित कोई भी प्रश्न पूछेगा तो उत्तर लिखना लोगे जी? जी सर। पक्का? चलो सर कोशिश करेंगे। अब बताओ कि इस डिस्कशन में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं किसी को? क्लास ओवर करें। यस सर, अभी तक।